डेमन्स का मतलब शैतान नहीं होता hmm. शैतान का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी ऊर्जा या कोई ऐसी स्पिरिट जो आपको तंग कर रही हो जो डेमन्स है वो भी ऐसे ही हैं, उनका भी कोई ऐसी रीजनेबल माइंडसेट नहीं है उनका उनका भी यही है माइंड में कि जहाँ पे आपका इंटेंशन होगा आप जिन इंटेंशन से उनके साथ काम कर रहे हो उनको बुला रहे हो उस इंटेंशन से ही वो आएंगे हमारे यहाँ पे भारत में जो भगवान है उनको कुछ कंट्रीज में कुछ जगहों में कि नहीं नहीं। तो शुक्राचार्य किन के गुरु थे okay. Okay? ठीक है? वो मिडिल ईस्ट में चले गए थे डीम आप जितने भी उठा के देख लो ठीक है वो सारे जो भी आपको जो गार्जियन स्पिरिट्स इनको हम कह रहे हैं वो आपको कहा के मिलेंगे जो चीज़ अगर आपके लिए ईवल है ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए भी ईवल हो या फिर किसी और के लिए भी हो ये जो प्रेत होते हैं ना जो आपकी बॉडी में आके रहते हैं उन्हें बस एक प्राण शक्ति उन्हें एक ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है जहाँ पे वो फीड कर सके जहाँ पे वो रह सके दूसरी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज्यादा सोशल इवेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े सोशल इवेंट्स होते हैं वहां से अगर आप वापस आओगे और अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी सेंसिटिव होगे आपको बहुत थकान फील होगी इसीलिए नहीं क्योंकि आप वहाँ पे आपने बहुत कुछ डांस किया ये क्या वो किया अगर आप पे बस बैठे या बस खड़े भी हो गए ना वापस आओगे आपको थकान महसूस होगी जो एक और चीज मुझे आपसे जाननी थी कर्ण प्रशास भी लोगों के बहुत सारे थॉट है बहुत सारे पर्स्पेक्टिव है कहा जाता है की कर्ण प्रशास अगर किसी के ऊपर छोड़ दी जाए तो वो उसकी जान लेके ही मानती है

एक व्यू है एक लेंस है बट डीमेंस का एक पॉजिटिव साइड भी होता है और आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे हम कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे इस पॉडकास्ट पे हमारी गेस्ट है अमीशा दायमा जी जो कि एक तंत्र साधिका है एंड उन्हें डीमेनोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस पॉडकास्ट में आपको जानने मिलेगा कि, कि किस तरह के डीमन्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या सब डीमन्स नेगेटिव एंटिटीज़ होती है क्या एक डीमन आपके बॉडी पर काबू पा सकता है क्या एक डीमन आपको हार्म कर सकता है अमीषा जी ने इस पॉडकास्ट में बहुत ही खूबसूरती से हमें यह समझाया कि डीमन्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं डीमंस के बनने का इनके एग्जिस्टेंस का राज क्या है दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डीमेंट्स एंड आई होप सो आपको इस कॉन्वर्जेशन को सुन के बहुत मजा आएगा क्योंकि एक नए तरह का पॉडकास्ट है जो हमने ट्राई किया है आज करने का एंड अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आई होप सो कि ये कॉन्वर्जेशन भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना आपको हमारे पास्ट में कई सारे कॉन्वर्जेशन पसंद आए हैं सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन थ्री टू वन अमीषा जी आपका स्वागत है शो पे नमस्कार नमस्ते आ, पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट पे बात की थी और हमने इन जनरल तंत्र को जाना था बट आ, क्योंकि एक हिंदी एपिसोड है और यहाँ पे हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले आज फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नेगेटिव एनर्जीज डीमेंट्स इजिप्शियन मैजिक जो होता है अफ्रीकन वूडो जो होता है इन सब चीजों के बारे में जो की बेसिकली आई वु चीजें है थोड़ी जील्टिया जाएगा तो इसकी हम शुरुआत कहाँ से करें क्योंकि जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो आपने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही की डीम्स को लोग इविल समझते बट दे आर नॉट ईविल एग्जैक्टली वो सिर्फ हमारे लिए ह्यूमन परस्पेक्टिव से हमें लगता है की इवल है बट इन रियालिटी वो बहुत अलग है तो इसी से शुरुआत करते हैं कि डीमंस एग्जैक्टली होते क्या है जी तो डीमंस का मतलब शैतान नहीं होता शैतान का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी ऊर्जा या कोई ऐसी स्पिरिट जो आपको तंग कर रही हो डीमंस का मतलब सिर्फ स्पिरिट होता है मतलब ऊर्जा कोई एनर्जी तो डेमन्स का अगर आप मीनिंग देखो के भी अगर बेसिक डिक्शनरी में भी अगर आप जाओगे तो उसकी जो ओल्ड मीनिंग थी जिसको हम डेमन कहते हैं डी ए ई एम ओ एन उसकी मीनिंग होती है स्पिरिट राइट कुछ ईविल नहीं लिखा था आसपास लेटर ऑन बिकॉज ऑफ कि मतलब जो थोड़ा बहुत रिलीजियस पॉलिटिक्स हुआ और जहाँ पे ये हुआ कि ये तो हमारे भगवान ही नहीं है तो हम इसे क्यों पूजे तो और जो भी एक थ्योरी आती है ना कि आपकी देर इज़ ओनली वन ट्रू गॉड एवरीबडी एल्स इज़ अ फॉल्स गॉड है ना तो ये वाली थ्योरी जहाँ जहाँ पे ये स्पिरिट्स थी um, उन जगहों पे उन क्षेत्रों में uh, चलाई गई कि सिर्फ एक ही भगवान है उसके अलावा सब uh, बुरे हैं सारी शैतानी ताकतें हैं तो जो डेमन है वो भी आ, एक तरह से उन्हें भी बोल दिया गया कि वो भी कोई ईवल स्पिरिट है वो भी शैतान है वो एक कोई शैतानी ऊर्जा है तो इसीलिए तब से और अभी तक इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है ये चीज़ कि जो डीमिन होते हैं वो एक ईवल स्पिरिट है तो उनकी जो न्यू मीनिंग है वो आप देखोगे कि कोई ईवल स्पिरिट जिसने आपको पोजेस कर लिया है या फिर जो आपके साथ कुछ हार्म करेगी आपको तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को क्लियर होना चाहिए डेमन और डीमन के बीच में तो जो डीमन होती है वो एक बस स्पिरिट है और स्पिरिट अच्छी भी बुरी भी उसका वो एकदम वो बस एक एनर्जी है वो एक न्यूट्रल एनर्जी है अब अगर हम अब मैं कंपेयर करूँगी तो लोग बोलेंगे कि हम अपने देवी देवताओं से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन हमारे भी बहुत उग्र देवी देवता हैं जिनकी अगर आप अगर आप देखोगे तो एक बार को शायद से कोई डर भी जाता है जैसे हमारी माँ काली हो गई ये तो हमारे जो ये भगवान है जो हमारी देवी हैं इनमें अगर देखा जाए तो ये कोई बुरी या अच्छी ऐसा कुछ के? नहीं है वो बस एक ताकत है वो एक ऊर्जा है जो हमारी माँ है देवी है वो जब गुस्सा होती हैं तो वो मतलब बुरा भी करेंगे वो खुश होंगी तो आपका बहुत अच्छा भी करेंगे तो वैसे ही ये जो डेमन्स हैं वो भी ऐसे ही हैं उनका भी कोई ऐसे रीज़नेबल माइंडसेट नहीं है उनका आ, उनका भी यही है माइंड में कि जहाँ पे आपका इंटेंशन होगा आप जिन इंटेंशन से उनके साथ काम कर रहे हो उनको बुला रहे हो उस इंटेंशन से ही वो आएंगे okay. आपको उन्हें गुस्से में बुलाना है तो वो गुस्से में आएंगे आपको उन्हें अच्छे से प्यार से बुलाना है आपको बहुत ही शांत दिमाग से बुलाना है तो शांति से आएंगे hmm. तो जब आप इनके साथ काम कर रहे होते हो या हाँ पर ये वाली जो वी कैन वो वाली चीज़ हम बाद में डिस्कस करते हैं पर पहली चीज़ यही कि डीमन्स ईवल होते हैं कि नहीं और इसका तो यही आंसर है कि वो बस एक ऊर्जा है वो बस एक स्पिरिट है काफ़ी जगहों पे वो गार्जियन स्पिरिट्स थे अगर आप उनके बारे में सुनोगे या उनके बारे में सर्च करोगे जो भी अगर आप डीमन का नाम लेते हो और उनके बारे में इंटरनेट पे अभी बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है क्योंकि उनके बारे में सब कुछ हटा दिया गया है लेकिन आप बहुत ही पुराने टेक्स्ट में जाके पढ़ोगे तो एक तरह से गार्जियन स्पिरिट थी जैसे हमारे यहाँ के कुल देवी देवता होते हैं पाकिस्तान देवी देवता होते हैं वैसे ही वो थे अपनी जगहों के क्योंकि आ, अगर इसे हमें हिंदुज्म से कंपेयर करना है या जो इंडियन कल्चर है भारतीय कल्चर है तो जब हम साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ मैंगलोर साइड में या तमिलनाडु तुलुनाडु वाले साइड में

अलग अलग डीमेंट के अगर आप नाम देखते हो तो वो कोई आपको एक जगह से नहीं मिलेगा कोई कहीं और से कोई कहीं और से इसका मतलब क्या हुआ जहाँ पे भी आ, कोई एक अगर रिलीजन पहुँचा और वो ये कह रहे हैं कि उनके अलावा कोई दूसरी चीज़ वहाँ पे हो ही नहीं सकती वो उनका पूरा कल्चर हटा रहे हैं तो वहाँ पे यही आ जाता है कि उनको वो बुरा माना जाता है बुरा होता था सब एक ही जगह से बुरे होते हैं ना अलग अलग जगहों से क्यों होते तो आप सबकी हिस्ट्री कोई अलग अलग जगहों पे मिलेगी आपको अलग अलग, अलग कंट्रीज़ में मिलेगी अलग आ, तो वो वहाँ के स्थान देवी देवता थे और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अगर आप वहाँ पे जाके उनको पूछते हो उस जगह पे जाके तो उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है अब जैसे आपने मुझे बताया कि मैंगलोर या फिर वहाँ पर उन जगहों पर जो उनके देवी देवा जो होते हैं उनको अगर आप वहाँ पर जाके पूजोगे तो बहुत जल्दी आते हैं करेक्ट उनके एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती fact, है अगर उनको कोई देखेगा जैसे hmm. जब हमने वो एपिसोड किया था hmm. उसके बाद में मैंगलोर से कई सारे लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे थे वो hmm. जो दैव आराधना hmm. होती है उसकी उसमें जो इनफैक्ट कांतारा में भी जो दैव लास्ट में दिखाई थी hmm. मैं उनका नाम भूल गया डू यू रिमेंबर द नेम कांतारा में जो लास्ट दैव थे इन द फाइट सीन

तो लाइव मतलब जिंदा मुर्गिया लोग दे रहे थे एंड मुर्गियों को जिसे इस कल्चर के बारे में नहीं पता वो बोलेगा exactly. तो दिस इज द सेम थिंग जो वहां पे भी होगा जी वही आपको हिमाचल में भी मिल जाएगा वहाँ पे भी उनके स्थान देवी देवता होते हैं वो भी आप अगर देखोगे उनकी भी अगर कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा गोर लगेंगे या फिर कोई अगर नॉर्मल अगर हम यहाँ से जाते हैं और आप वहाँ पे किसी एक छोटे गांव में जाते हो और वहाँ पे जाके अगर आप उनके ऐसे रिचुअल्स देखते हो जैसे चंबा में जैसे होते हैं और अलग अलग कुल्लू और वहाँ के अगर छोटे गाँव में आप जाते हो तो वो देख के एक नॉर्मल इंसान डर सकता है राइट हाँ और उसे बहुत आसानी से आप मीडिया में ये पोर्ट्रे कर सकते हो कि यहाँ पे कोई शैतानी ताकत की पूजा की जा रही है अगर आपको ये मीडिया पॉलिटिक्स आता हो तो, तो वही उनके साथ हुआ था वो अपने आप को जो वहाँ के लोग थे वो अपने कल्चर को नहीं बचा पाए थे इसीलिए उनके जो भगवान थे उनको भी एक तरह से ईवल या शैतानी ताकत का रूप दे दिया गया ओके। अभी इंडिया में भी हमारे यहाँ पे भारत में जो भगवान हैं उनको कुछ कंट्रीज में कुछ जगहों में शैतानी ताकतें कहते हैं क्यों कहते हैं बस इसलिए क्योंकि वो उनके भगवान नहीं Correct. है उनके लिए सब भगवान बस Correct. एक है और उसके अलावा सबके सब जो भी है कोई और किसी और को अगर पूज रहा है तो वो गलत है तो वो इनफैक्ट जो दैव थे उनके बारे में जो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम बुक्स लिखी थी उन्होंने उसे इविल स्पिरिट जैसे ही किया, था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा ना ये क्या चीज हो रही है तो आई कैन अंडरस्टैंड बट हाँ देन हाँ। कौन से सबसे फेमस डेम्स है जिनके बारे में हम इस पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं और जिन्हें मतलब आज लोग समझते हैं, बट एक्चुअली नहीं थे वो ओके okay, तो हम एक तो अब अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी दोबारा से ये चीज़ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी क्योंकि जो लोग होते हैं एक चीज़ को अगर बचपन से वही सुनते आ रहे हैं और अगर कहीं पे कुछ ऐसा बोला जाए कि वो उनसे एकदम जो वो सुन रहे हैं उससे एकदम अलग हो तो उतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आपने एक दो तीन अगर हम डीमंस लेते हैं डीमंस भी नहीं है लेकिन मतलब एक तरह से जो एंटिटीज़ हैं एक तो लुसीफ़र एक हमारे जो सेटन है ये और बाकी फिर उसके नीचे काफ़ी आते हैं जैसे आप कभी कभार सुनते हो बालजी बब जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है और अजाज़ डोंट नो कि आपने अगर सुना सुना है ठीक है तो ये वाले कुछ डीमंस हैं जिनके बारे में लोगों ने सुना है करेक्ट हाँ

नहीं <laughs> मैं मतलब अगर मैं आपको बाद में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हूँ उनके साथ तो लेकिन मतलब पेमान के साथ में आपके एक्सपीरियंस हाँ जी आ, मेरा आ, एक्सपीरियंस ही है काफ़ी सालों से मैं डीमन्स के साथ काम कर रही हूँ okay. तो हमारा जो भी क्लाइंट वर्क होता है वो इन डीमंस के साथ ही होता है hmm. क्योंकि जब आप किसी देव किसी डीमन या इनके साथ काम करते हो बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं right. हाँ भगवान को आप कभी कुछ मांगने के लिए नहीं पूजोगे उनको अपनी ऊर्जा उठाने के लिए पूछते hmm. हो आप जैसे भगवान शिव भगवान विष्णु ये सब आपकी ऊर्जा उठाते हैं उनसे आप छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांगते हो कि आपकी शादी से हो जाए या फिर तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाए ये वाली चीज़ है क्योंकि उनकी एनर्जी उससे काफी ऊपर है तो अगर आप जब अपनी ऊर्जा उठाने की कोशिश करते हो तब आप उनका ध्यान करते हो हाँ जी तो जब हम डीमन के साथ करते हैं तो जैसे अगर हम इन सब के बारे में बात करें पेमॉन से ही अगर अभी हम बात कर रहे थे तो पेमॉन जो है वो आपका सेंट्रल एशिया जहाँ पे ये डेजर्ट आ जाता है बहुत ज़्यादा वहाँ का डीमन वहाँ की कोई गार्जियन स्पिरिट थी आप देखोगे अगर आप उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो मूवी में आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे दिखाया था लेकिन आ, वो एक ऊँट के ऊपर बैठ के आते हैं और उन्हें एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं तो वो क्या होता है ही इज़ द किंग ऑफ इज द डीमन ऑफ किंग्स तो क्यों क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जीज हैं तो okay. किसी को भी किंग बनाने की एनर्जी जो होती है ना वो उनके अंदर है अब जब आप उनकी ऊर्जा अपने आसपास लेके आते हो तो आप वैसी एनर्जीज अपने आसपास अट्रैक्ट कर रहे होते हो तो जब हम उनके साथ काम करते हैं और जिनके लिए करते हैं आ, उनका या तो बिज़नेस अगर यूजुअली वो उनके लिए ही मंगवाते हैं, जब उनका कोई बिज़नेस चल रहा होता है पॉलिटिकल अगर कोई करियर है या फिर उनका जहाँ पे भी आपका ये थोड़ा रॉयल्टी वाली वाइब्रेशन आ जाती है ना हाँ जी फ़ेम फेम से ज़्यादा आपका पावर मैं आपको हाँ, कहूंगी हाँ, हाँ जी थोड़ा अथॉरिटी अगर किसी चीज़ के लिए देने हाँ जी okay. तो वो वाली चीज़ों के लिए वो आते हैं अब वो आते हैं तो वो कोई आपसे ऐसा सेक्रीफाइस नहीं मांगेंगे कि हमें ये खान मतलब कोई मांस या ऐसी कोई चीज़ें खानी है उनको आप दोगे भी अगर आप ऑफरिंग भी दे रहे हो क्योंकि हमेशा अगर आप जब भी किसी डीमन को बुलाते हो आपको खाना देना पड़ता है ये चीज़ आपने मुझे अपने जब देवा के बारे में बताई जब आपने एक्सपीरियंस बताया तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाई जब हम अपने डीमन से साथ काम करते हैं क्योंकि आप कभी भी उनके पास बिना ऑफरिंग के नहीं जा सकते right. और जब जिसकी जैसी ऊर्जा है जिसकी जैसी एनर्जी है आपको वैसी ही आम, आम, वैसी ही ऑफरिंग्स लेके आनी पड़ती हैं तो जैसे अगर हम पेमोन के साथ काम करते हैं तो उनके लिए आपको एकदम रॉयल फ्रूट्स फूड जैसे वहाँ पे डेट्स बहुत ज़्यादा रॉयल माने जाते थे और वाइन बहुत ज़्यादा रॉयल मानी जाती थी तो आप ऐसा खाना उनके लिए लेके आओगे आप उनके लिए ड्राई फ्रूट्स और ये वाली चीज़ें तो उससे खुश होते हैं वो वहाँ पर आपका खून से खुश नहीं होंगे उनकी एनर्जी वैसी है ही नहीं तो अब अलग अलग जो भी एनर्जीज़ हैं बेसिस पे वैसे वैसे हम वो ऑफरिंग्स उन्हें देते हैं उनके साथ वैसे काम करते हैं और वैसे ही आपको रिजल्ट्स और वाइब्रेशंस अपने आसपास मिलती हैं बट पीमन को आप मतलब बुलाते कैसे हैं उनका एक मंत्र होता है वही जैसे हमारे भारत में हर देवी देवता का मंत्र होता है उनको भी उनका भी मंत्र होता है जिसको हम एन कहते हैं अब जो जैसे अलग अलग मंत्र, मंत्र भी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ क्योंकि उसे बोलने से पहले काफ़ी प्रोसेस होता है और इनिशिएशन के थ्रू जाना होता है तब जाके आप ये कर सकते हो क्योंकि आप अगर किसी को बुला रहे हो और उन्हें नहीं पता कि आप कौन हो वो आपको जानते नहीं हैं ये सेम तंत्र में भी है और और वहाँ पे अगर वो चीज़ आ जाती है आपके पास आपके घर में ऐसे ही कोई आ रहा है या फिर आपको ऐसे ही कोई जिसको आप जानते भी नहीं हो आपको कोई बुला रहा है तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं Correct. आएगा रहा है ना तो वो मंत्र आपको थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है अगर आप ठीक से और पूरे प्रोसेस के साथ उन्हें नहीं कर रहे हो उसको आपको बोलना है या तो आप एक दिन में बोलोगे आपको तभी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में तप फील होने लगेगा और वाइब्रेशन अलग अलग फ़ील होने लगे क्योंकि ये जो देव देव होते हैं ये जो एडिमन्स होते हैं और ये जो एंटिटीज होती है ये हमारे वर्ल्ड की ही है इस दुनिया की वो आप कहीं ऊपर से किसी दूसरे जगह से नहीं बुला रहे हो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं तो आपको इफेक्ट्स दिखने लग जाएंगे तो एटलीस्ट वैसे हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम ट्वेंटी वन डेज के लिए होना चाहिए उसके बाद जाके आपको जो वाइब्रेशन से आसपास अपनी काफ़ी ज़्यादा फील होंगे और उसके इफेक्ट्स इतने लगते हैं ओके okay. जी एंड जब पेमॉन आ जाते हैं hmm. तो क्योंकि अभी तक तो लोगों को लगता है कि अगर पेईमॉन आ गया hmm. तो, तो मतलब ख़त्म ही कर देगा आपको जी नहीं नहीं तो, <laughs> तो अब इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है अब और इस पर भी कि आपके उस टाइम पे मेंटल आ, हेल्थ कैसी है अगर उस समय आप अगर डिप्रेशन में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उस टाइम आप इन एनर्जीज़ और ऊर्जाओं के साथ काम मत करो जब आप मेंटली एकदम स्टेबल हो काम हो तभी आप इनके साथ काम करो क्योंकि okay. इनके साथ थोड़ी सी ट्रिक्सटर स्पिरिट्स भी आती हैं हुँ. और जब ये आते हैं तब नहीं पहली बात तो वो ख़त्म करने नहीं आते वो आपका इंटेंशन होता है कि आप कैसे उन्हें बुला रहे हो तो इंटेंशन और आपका भाव हुँ. आपका जो इमोशन है वो बहुत मैटर करता है जब आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो फिर जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तब वो आपको आके ऐसा नहीं है कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं एकदम सामने आ गया आपको या तो वो आपके सपने में आएंगे या फिर जब आप ध्यान कर रहे हो तो आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हो जिसको हमारे आम, हमारे शास्त्रों में से समाधि भी कहा गया है लेकिन आप ऐसी एक इंड्यूसिव स्टेट में पहुंचते हो जहाँ पे आम, उनके मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे होते हैं उनकी विजन्स आपको दिख रहे होते हैं और वो जो विजन्स आपको दिखाते हैं वो जो आपका इंटेंशन है उसको हेल्प करने के लिए उसको गाइड करने के लिए आपको दिखाते हैं जो आपसे बात कर रहे हैं उस टाइम पे, वो भी आपका जो जिस चीज़ के लिए आपने बुलाया है उसके लिए वो क्वेश्चन को आंसर करेंगे उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे वैसे वो काम करते हैं तो वो आके आपको मारेंगे नहीं अगर वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना कर रहे हो क्योंकि अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो आके आपको सीधा पटक देंगे <laughs> हम अपने देवी देवता जो हमारे स्थान देवी देवता हम उन्हें कभी कंट्रोल करना नहीं चाहते है ना और हम कितने भी मूवीज़ और उसमें ये देखते हैं कि आप कंट्रोल करके उन्हें बुलाते हो यू शूड नेवर डू दैट सो साथ जिसके बारे में आप बात कर सकते हो? जी तो यूजुअली जैसे मैंने बताया कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए hmm. इनके साथ काम करते हैं तो हमारे क्लाइंट का बिज़नेस उन्होंने बस स्टार्ट किया, किया था और रिजल्ट्स uh, अच्छे नहीं आ रहे थे लेकिन बिज़नेस आप स्टार्ट कर हो तो तब रिज़ल्ट अच्छे आते भी नहीं हैं तो उस टाइम पे उन्होंने उसके साथ जो पैक था और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थी अलग अलग जगहों से स्टार्टिंग में फंड्स जैसे चाहिए इनका स्टार्टअप था तो उस टाइम पे उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था ये कुछ दो या तीन साल पहले की बात है तब हमने इनके साथ उनका पैक्ट करवाया था पैक्ट में ये होता है कि आप एक कनेक्शन बना लेते हो तो यू आर गिविंग समथिंग आप ऐसी कोई चीज़ दे रहे हो उन्हें पसंद है और पेमॉन बींग की वो बहुत ही रॉयल बिहेवियर है उनका तो उन्हें ऐसी चीज़ें ही पसंद है तो आप वैसी चीज़ों ने ला दोगे तो उन जिनके साथ उनका काम किया था जिन क्लाइंट के साथ उनका किया था उन्हें हर हफ्ते या हर दो हफ्ते में या हर महीने में कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें देनी थी जो बहुत रॉयल थी जैसे कि ड्राई फ्रूट्स या खाने के लिए फ्रू ऑफरिंग्स तो हमेशा साथ में कोई ऐसी चीज़ करनी है जो एक राजा करता है अपनी प्रजा के लिए या किसी के लिए भी तो वो उन्हें एक एक्ट ऑफ सर्विस भी करना था अब वो वो क्या कर सकते हैं या तो वो जो भी आम, लेबर्स हैं या फिर आ, काम कर रहे हैं उनके लिए खाना या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप आसपास का उनका जो सोसाइटी है वो अच्छी हो रही है कोई भी ऐसी चीज़ Uh, तो वो वो वाली चीज़ें कर रहे थे um, उस टाइम की बात है अराउंड आई गेस टू और टुडे उनका स्टार्टअप इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एंड बिग स्टार्टअप्स आई कैन नॉट रियली टेक इट्स नेम लेकिन वो बहुत ही अच्छा स्टार्टअप बन चुका है ओके okay. जी सो so, एंड अपने जो दूसरे डेमन्स के बारे में बात की थी uh, hmm. उसमें आपने दो नाम लिए एक लूसीफो और एक सेटन तो सेटिन तो ऑफकोर्स सबको पता है मतलब लोगों के बारे में उसके बारे में गलत ही सोचते हैं बिकॉज़ गॉड गॉड से से पंगा लिया। भी वही, हाँ, से पंगा लिया लिया भी वही को तो बैनिश कर दिया था गॉड ने जी, जी, जी। तो अगर गॉड किसी को बैनिश कर रहा है तो वो इविल कैसे नहीं हुआ I want to that. ये स्टोरी कब आई थी जब ये किसी हमारी ऐसी होली बुक में कुछ आप देखोगे कुछ टाइम बाद आई थी उससे पहले भी थी ये जो स्टोरी थी ये बाद में आई थी जब आपका आप जब ये क्रिश्चियनिटी और ये सब बहुत ज़्यादा फैल रहा था मैं वैसे किसी रिलीजन का नाम लेना नहीं चाहती थी लेकिन बिकॉज ये वाली जो स्टोरीज हैं उसी में ही है आ, उसमें ये बताया गया है कि आ, लुसिफर जो है वो लोगों को एक तरह से विल दे रहा था या फिर कुछ ऐसा कुछ था और उसकी वजह से उसे बैनिश कर दिया गया था है ना और उसके पग काट दिए गए थे क्यों क्योंकि वो सबको एक मानता था और वो फ्रीविल में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता था उससे पहले ये एनर्जी तब भी थी जब ये जो रिलीजन इधर उधर फैल रहा है वहाँ पे कोई अगर दूसरा रिलीजन है जहाँ पे ऐसी ही चीज़ हो रही है जहाँ पे वो वाले थॉट प्रोसेस रखे जाते हैं जो लुसिफर के हैं लुसिफर को एक तरीके से गाइडिंग लाइट बोला जाता है अगर देखा जाए तो कि वो आपको आ, इल्यूमिनेट कर सकता है वो आपको एनलाइटन कर सकता है विद द नॉलेज ऑफ गॉड लेकिन उस टाइम पे कुछ रिलीजन्स में उसे कंट्रोल रखा गया था कि वो सिर्फ कुछ लोग को ही मिल सकती है सबको नहीं मिल सकती तो उन्होंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा कि भगवान ने उसे बैनिश कर दिया और उसे हटा दिया इन रियल लाइफ इन लॉजिकल वेज उस रिलीजन को बैनिश कर दिया हटा दिया है न okay. तो उस तरह से बाकी अगर आप देखोगे Uh, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है तो कि जो मनुष्य प्रति है uh, हमारी जो सिविलाइजेशन का है एडम और वीव उनको भी हम कनेक्ट करते हैं अपने uh, जो एडम uh, क्या कहते हैं uh, हमारे जो uh, देवी देवता हैं हमारे जो भगवान हैं हम उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट uh, करते हैं अगम और निगम को भी हम काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट uh, करते हैं जैसे अगम जो है हुँ. अगम इज़ इक्वल टू एडम अगर okay. माना जाए तो लोग उसे अब्जॉर्ब इतनी जल्दी करेंगे नहीं लेकिन अलग अलग जगहों पे सेम चीज को बस अपने अपने तरीके से बताया गया है तो जो अगम है दैट इज एडम और ईफ जो आ जाती है वो आती है आपकी ई शक्ति बाकी जो निगम है वो थोड़ा आपका जो ब्रह्म देव और इनका अलग थोड़ा आ जाता है वो वाली चीज़ें हैं तो ऐसे ऐसे करके बस चीज़ों को बताया गया है सेम चीज़ है अलग अलग रिलीजन्स ये जब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इन अलग रिलीजन और इन सब के बारे में तब जाके पता चला कि है सबका सोर्स सेम लेकिन अलग तरह से बताया गया हर जगह पे तो अब यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है अब वही जो लूसीफ़र है वो एक वो किस, -किस के आ, वो आपके देवों का भी भगवान है और आप क्योंकि वो वहाँ से निकल के आए थे और जो हमारे असुर हैं वो उनको भी एक मानते हैं वो ह्यूमन्स को भी एक मानते हैं हमारे सनातन धर्म में ऐसा कौन सा देव देव है जो ऐसा कौन सा भगवान है जो एनलाइटनमेंट देता है और मतलब आपके अंदर का अहंकार हटाता है और सबका देव है अस, जी।, जी तो अगर आप देखोगे उनका अगर आप रूप भी अगर देखते हो जो लुसिफर होता है आ, लुसिफर है उसे आप ब्लू कलर में अगर आप देखते हो जब भी आप अगर देखते हो तो वो उन्हीं के बेसिस पे रखा जाता है लेवल्स वही हैं बस उन्हें बताया इस तरह से गया कि वो एक कोई ईवल स्पिरिट है क्यों क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें नहीं मानी कि बस उन्हीं को ही मिलना चाहिए कुछ लोगों को वो नॉलेज मिलनी चाहिए वो उनके लिए सब एक था लुसिफर के लिए भी सब एक था इसीलिए उसे पैनिश कर दिया गया अब अगर हम सेटिन को देखते हैं सेटिन आ, इस हमारे यहाँ पे और ओकल्ट में सैटर्न जो है शनि जो है उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है कि मतलब कुछ रिलिजन्स में उसके जो शनि का जो, जो सैटर्न का अम, क्यूब है उसके चक्कर लगाए जाते हैं ताकि वो एनर्जी अपने अंदर खींच पाएँ तो उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उसके बारे में बहुत लंबी कहानी हो जाएगी सो वी विल डिस्कस इट लेटर तो शनि की जो पूजा होती है या फिर जब भी आप करते हो तो हम उन्हें क्यों कहते हैं क्योंकि वो जो आपके कर्म हैं वो देखते हैं गॉड ऑफ जस्टिस कि आप क्या सही कर रहे हो क्या सही नहीं कर रहे हो सैटर्न एक ऐसा प्लानट है जो आपके करियर आपके बाकी चीज़ों को भी देखता है है ना वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि इसके साथ सॉफ्ट होगा या इसके साथ बुरा होगा सबके लिए सेम है करेक्ट है ना शनि भगवान जो हैं उन्हें हम ऑयल चढ़ाते हैं या उनसे जब भी हम मिलने मतलब उनसे जब हम भक्ति करते हैं तो हम हाथ जोड़ के नहीं ऐसे पीछे हाथ करके और मतलब एक तरीके से वी आर गोइंग देर कि हम अपने कर्मों की मुक्ति के लिए और सैटर्न जो है उनको उन्होंने सेटन बना दिया है अच्छा जी बट उन मतलब क्रिस्टानिटी में बिलीफ ये भी है ना कि सेटन जो है वो हेल का किंग है <laughs> जी तो जब आप शनि शनि इज़ बेसिकली ओकल्ट का एक बहुत बड़ा गॉड या फिर वहाँ पे हम अगर हम शनि को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक तरह से अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो नहीं क्योंकि आपका करियर ठीक होगा आपके कर्म ठीक होंगे आ, तो अगर उसके रास्ते पे आप चले कहते हैं किसी कुंडली में अगर शनि अच्छा है सैटर्न अच्छा है तो बाकी सब चीज़ अपने आप ही चीज ठीक हो जाती हैं तो जहाँ पे आपका आप कंट्रोल ले रहे हो अपनी लाइफ में वो एकवल चीज़ हुई क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे मानना है कि फेथ रखो और सब वो ही देखेगा और उसके वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ का क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं वहीं पे ही शनि भगवान दिखाते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप बुरे कर रहे हो तो आपको उसके बुरे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और वो आप खुद से ठीक कर सकते हो वो भी फ्री विल ही दे रहे हैं तो ये जो से, आ, सेटन का और जो सैटर्न का कनेक्शन है जो हमारे सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है वो भी एक तरह से उनका सेटनिज्म बन गया जी

असुरों के असुर देखते देखते हो के ठीक है थीके? वो मिडिल ईस्ट में चले गए थे डीमन्स आप जितने भी उठा के देख लो ठीक है वो सारे जो भी आपको जो गार्जियन स्पिरिट्स इनको हम कह रहे हैं वो आपको कहाँ के मिलेंगे मिडिल ईस्ट जी हाँ <laughs> <laughs> कनेक्शन तो है काफ़ी क्लियर कनेक्शन है जी देखो शक्तियाँ असुरों में भी थी हुँ. और देवताओं में भी थी डिफरेंस बस ये था कुछ असुरों में अहंकार आ गया था शुक्राचार्य कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि असुरों को भी वही रिस्पेक्ट मिले उनकी भी वैसे ही पूजा हो जैसे आपके देवी देवताओं की होती है, है। देवों देवो की होती हैं है ना लेकिन उनमें से कुछ जैसे आपका सुर आ जाता है और बाकी जिनको भी वो गाइड करते हैं हाँ उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है अब जो भगवान थे भगवान अलग होते हैं देवता अलग होते हैं भगवान जैसे ब्रह्मा हो गए विष्णु हो गए भगवान शिव हो गए तो उनसे अगर असुर भी जाके कुछ वरदान मांगते थे तो वो देते थे कोई ब्रह्मास्त्र देता था कोई कुछ देता था सब कुछ कुछ देते या कोई अमर होने या फिर तब तक आप अमर रहोगे ये सारी चीज़ें आती थी और अब अगर आपके पास कोई पावर आ जाती है अगर आपको लगने लगता है कि आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और आपको तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई आपने तब तक आपके अंदर एनलाइटनमेंट नहीं आई तो आपके अंदर अहंकार बढ़ने लग जाता है इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले ये कुछ भी अगर आप सीख रहे हो कुछ भी सिद्धि पा रहे हो या कुछ भी वरदान पा रहे हो उससे पहले अपना जो अहंकार है वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई भी इंसान या किसी मनुष्य को भी लेके जाओ उसको भी आपने कोई सिद्धि या कोई वरदान दे दिया कोई बहुत बड़ा वेपन दे दिया तो वो सोचेगा कि मैं तो अब अमर हूँ मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता तो सबसे पहली क्या चीज़ आएगी अहंकार अहंकार उसमें नहीं आएगा जिसमें जिसको एनलाइटनमेंट पता हो कि क्या है जिसमें भैरव स्थिति हो कि मैं और सामने वाला एक ही चीज़ से बने हैं हाँ उसमें भी भगवान कंश है मेरे में भी भगवान कंश है हमें कोई डिफरेंस नहीं है है ना तो अगर जब उसको ये वरदान मिलता है तब वो चीज़ अच्छों के होती है करें। अब वहीं पे ही वो वरदान अगर मिल गया है और आपका अहंकार नहीं टूटा है तो आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो फिर आपका तो पतन होना ही है तो असुर कोई बाहर के लोग नहीं थे वो आपके अंदर का जो ईगो है ना वही जो ईवल आप जो कह रहे हो कि ईवल स्पिरिट हम कहते हैं कि वो डीमन्स हैं हम कहते हैं कि वो जिन हैं हम कहते हैं कि वो असुर हैं वो नहीं थे दे इस पूरी दुनिया में बस एक ही चीज़ है जो ईवल है और वो है आपका अहंकार आपका ईगो बस तो ये हमने समझा कि डीमेंस जो है जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है वो एक्चुअली वैसे नहीं है दे मतलब वो ठीक है अब सब सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव बन गए रिलीजियस पॉलिटिक्स की वजह से सब डिवाइड हो गया एंड सबको एक वो अपने तरह से इंसानों में देखना शुरू कर दिया बट देन असली इविल स्पिरिट्स जो होती है या असली कुछ एनर्जीज ऐसी जो इविल ही करना चाहती है वो क्या होती है देखिए जो चीज़ अगर आपके लिए ईवल है ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए भी ईवल हो या फिर किसी और के लिए भी हो अगर हम एक मकड़ी को देखते हैं उसके लिए वो बहुत मुश्किल से अपना एक घर बनाती है है ना अपने ही थूक से बार बार मेहनत करके पूरा का पूरा घर खुद ही बनाती है उसके लिए तो वो एक वर्क ऑफ आर्ट है लेकिन वहीं पे अगर कोई एक फ्लाई या फिर कोई कीड़ा या फिर कोई चीटी उसके अंदर जाते है तो उसके लिए वो मौत है करेक्ट जी तो अगर हम यहाँ पे जिसको हम बहुत ज़्यादा इवल मानते हैं जैसे हम पिशाच पिशाचनी अगर हम ले लेते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा समझते हैं कि वो ईवल है आपके लिए वो इवल है क्योंकि वो आपका कुछ ले रही हैं है, है ना जो आप नहीं चाहते कि आप दो तो जैसे वहाँ पे इस कीड़े के लिए मृत्यु है और उस मकड़ी के लिए वही एक बहुत अच्छी चीज़ है वो एक उसका फूड लाने का ज़रिया है वहाँ पे वो रह सकती है तो ये पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि आप किस साइड में खड़े हो कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है हमारे लिए आ, प्लास्टिक बहुत अच्छी चीज़ है कुछ गिराता नहीं है कुछ नहीं है हल्का सा है कहीं पे भी लेके जाओ आ, लीकेज नहीं होती सबसे सस्ता क्या जो हमारी पृथ्वी है क्या उसके लिए वो अच्छा है बिल्कुल नहीं उसके लिए तो वो हम असर हो गए <laughs> तो वही अगर हम ये ईवल स्पिरिट्स अगेन मैं वही कहती हूँ कि पर्सपेक्टिव के ऊपर है और जो तंत्र अगर कहता है वो ये कहता है कि कुछ भी बुरा और अच्छा नहीं है बस आपका जरिया है और आपका पर्सपेक्टिव है कि आप कहाँ पे खड़े हो एक्सेप्टेंस सबके लिए है और अगर हम कोई ईवल स्पिरिट्स के बारे में अगर आपने जैसे बोल ही दिया तो जिसको लोग समझते हैं इवेल आप मुझे वो बताओ तो मैं आपको बारे में बताती हूँ तो बता <laughs> तो एनर्जी को आप समझिए क्या है वो कर क्या रही है वो ऊर्जा क्या है पर आपने जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसमें आप कभी किसी ऐसे एनर्जी के साथ में आपने कनेक्ट किया जो इविल चाहती थी तो जैसे जिन होते हैं उनके कुछ पांच प्रकार होते हैं उनमें से दो तीन ऐसे हैं जिससे आप जितना दूर रहो उतना अच्छा है क्योंकि आ, ये आपके ह्यूमंस के साथ कभी काम नहीं कर सकती okay. तो अभी जैसे आप जो कह रहे हो कि ईवल है ईवल कि, किसके लिए है ह्यूमंस के लिए तो डीमंस में भी कुछ आ, अराउंड बस कुछ नंबर ऑफ डीमंस हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो उसके अगर अलावा आप अलावा अगर किसी और से वो काम भी नहीं करेंगे अगर आप उनके पास उनसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करोगे तो आपका ही कुछ ना कुछ बुरा होगा कौन से होते हैं ये तो उनका मैं नाम नहीं ले सकती और क्योंकि अगर मैंने नाम ले दिया तो फिर कुछ लोग ट्राई करेंगे कि okay. उनके साथ कनेक्ट करें hmm. तो इससे अच्छे से ज़्यादा बुरा ही होगा तो ये कुछ ऐसे एंटिटीज़ होते हैं बाकी अगर हम ये जिन के भी अगर हम देखते हैं तो जिन में जो आते हैं आपके अम, कुछ नीचे के थोड़े वम्पायर स्पिरिट्स जैसी होती हैं और कुछ प्रेत होते हैं जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए और वो अगर आपको लगे हैं तो उनसे बचना होता है उन्हीं से ही आपको पोजीशन हटानी होती है क्योंकि वो ह्यूमन स्पिरिट के पास आएंगे सिर्फ इसलिए ताकि उसकी प्राण शक्ति खींच सकें उसके अंदर रह सकें या उससे कुछ वो पा सकें बस और कोई रीज़न नहीं है तो उनसे अगर आप कनेक्ट करोगे सोचोगे कि आपका कुछ अच्छा होगा तो उससे काफ़ी बुरा होता है राइट right. जी और लास्ट में ये हो सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए आपके क्लाइंट आया जिसके ऊपर किसी जिन ने इस तरह से अटैक किया जी जी और किस तरह वो एक्सपीरियंस बता सकते तो एक्चुअली वो मेरे क्लाइंट थे नहीं क्योंकि मेरा ऐसे कोई इंटरेस्ट था नहीं ऐसे कोई केस लेने का लेकिन जब पता चला कि एक्सपीरियंस कि उनके साथ क्या हो रहा है तब पता चला कि ये सच में उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की तो हमारी एक नोन में ही दे वॉज अ लेडी तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे गाँव में कोई एक किसी की वाइफ थी उनके अंदर जिन आते हैं तो मसला लगी जिन ऐसे नहीं आते ठीक है कि आप मतलब ऐसे आपने मतलब दो तीन चीज़ें हुई होंगी थोड़ा बहुत वो चिल्लाई होंगी या गुस्सा किया होगा और उन्होंने लगा होगा कि हाँ इसमें तो भूत आ गया इसमें तो जिन आ गया ऐसे ही बोल दिया होगा तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है तो लेकिन तब भी उन्होंने बोला कि एक बार बात कर लो एक बार बात करो मैंने बात कर ली तो फिर जब मैंने उनके मुंह से सुना कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है क्या एक्सपीरियंस हो रहा है उससे फिर पता चल गया कि सच में ऐसी कोई चीज़ है क्योंकि जब तक आप उस ऊर्जा के बारे में जानते नहीं हो जब तक आप उस एनर्जी का चेक नहीं करते हो कि वो कौन सी एनर्जी है तब तक आप नहीं पता कर सकते कि वो सच में सच में है भी कि नहीं है तो तब जब मुझे जाके पता चला कि उनके अंदर क्या वो जो बुरे वाले जो जिन होते हैं वही थे उनके अंदर अटके हुए थे अब क्या है ना गाँव में एक प्रॉब्लम है कि वो कहीं पे भी जाके अपनी चिता जला देते हैं हाँ गाँव में अपने खेत में ही जला देंगे तो हर जगह को उन्होंने शमशान बनाया हुआ है राइट हाँ ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर जगह है कि यहाँ पे ही उन्हें करना चाहिए जबकि होनी चाहिए आप कहीं पे भी किसी की बॉडी को क्रिएट नहीं कर सकते हो आप कहीं पर भी किसी को दफन नहीं कर सकते हो ऐसा करोगे वहाँ पर आस आपको आत्माएँ ही मिलेंगी और वो उनका एक जगह बन जाएगी अब वहाँ पर सब खेती करते थे लोग वहीं पर ही काम करते थे तो अब जब वो वहाँ पे काम करते थे जो जो लेडी थी वो भी वहीं पे ही खेती बाड़ी करती थी वहाँ पे उनको वो चिपट गया वो आ गया उसके बाद से उनके साथ उनकी बॉडी पे ऐसे निशान मिलने लग गए हर सुबह उन्हें ऐसे कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में कोई वून मिलती थी और उन्हें पता भी नहीं कि वो कैसे हुआ आ, कहते थे रात को मुझे ऐसे सपने आते थे जहाँ पे कोई मुझे मतलब ज़बरदस्ती मार रहा है या मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर मैं ये ऐसे सपने तो मेरे सपने होंगे ठीक है लेकिन उसके बाद अगर अगले दिन बॉडी में निशान मिल रहे हैं तो मतलब सच में कुछ है उनसे पूछा है कि उनके कंधे पर उन्हें भारी फील होता है पूरे समय तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा अगर आपके कंधे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको भारी फील हो रहा है तो मतलब ज़रूर आपके ऊपर ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपकी खुद की नहीं है अगर आपको एकदम लाइट फील हो रहा है तो मतलब वो आपकी खुद की है ऊर्जा आपको हमेशा हल्का ही फील होना चाहिए भारी आपको तभी फील होगा जब आप अपनी ऊर्जा लेके नहीं चल रहे हो तो किसी तो मतलब सिटिंग पॉस्चर वगैरह से भी हो सकता है ना सिटिंग पॉस्चर हमेशा ज़रूरी नहीं है अगर हमेशा सिटिंग पॉस्चर की वजह से अगले दिन आप सो रहे हो दो दिन बाद आपका ठीक हो सकता है लेकिन अगर हर टाइम ही हर समय ही आपको भारी फील हो रहा है तो उसकी एक रीज़न होती है तो ये सारी चीज़ें पता चली तब जाके उनके ऊपर उनके साथ काम किया ताकि उस चीज़ को हटाया जाए और वो चीज़ वापस ना आए तो अभी तक तो इज़ सेफ एंड साउंड एंड लेट्स होप द बेस्ट जी अपनी आ, एक बहुत फेमस फिल्म भी है और उसका रियल वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है हाँ Exorcism of Emily Rose. वो okay. है। आ, नहीं तो उसका वीडियो देखना यूट्यूब पर अवेलेबल है वो जिस फादर ने एमिली रोज नाम की वो बंदी थी उसका एक्सोरिज्म किया था उन उनको तो जेल हो गई थी इनफैक्ट क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि एमिली रोज के अंदर स्पिरिट्स इस तरह का कुछ था बट वो जो फादर थे चर्च के थे उन्होंने कहा था कि इसके अंदर एक नहीं सात आठ अलग अलग आ, मतलब एंटिटीज थी एंड उन्होंने बोला था कि उसमें से एक लूसीफर था एक सेटन भी था कभी ऐसा आपने देखा है डिमोनिक पोजिशन किसी को हुआ हो डिमोनिक uh, पोजिशन हो सकता है अगर वो लूसीफर और सेटन हो वो मैं नहीं मानूंगी उन्होंने खुद से वो नाम दे दिया होगा लेकिन हाँ ये वाली चीज़ इज़ वेरी करेक्ट इस चीज़ में आधा सत्य है आधा झूठ है um, एक तो ये कि आपके अंदर अगर एक एंटिटी आ जाती है और वो आपको कंट्रोल करने लग जाती है आपकी बॉडी को तो आपकी जो बॉडी है वो बूफे बन जाती है बाकी स्पिरिट्स के लिए भी okay. क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक का एंट्रेंस होगी तो बाकी लोग भी आ सक बाकी आत्माएं भी आ सकती हैं तो वो सब आके रहने लग जाती है और उनको ये जो ये वाली जो ये जो प्रेत होते हैं ना जो आपकी बॉडी में आके रहते हैं उन्हें बस एक प्राण शक्ति उन्हें एक ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है जहाँ पे वो फीड कर सकें जहाँ पे वो रह सकें उन्हें या तो कोई घर चाहिए होगा या फिर कोई ह्यूमन बॉडी किसी भी चीज़ में जहाँ पे प्राण शक्ति हो आपके घर में भी प्राण शक्ति होती है और ऐसी जगह पे रहते हैं या फिर वो ऐसे बड़े बड़े और जो बहुत ओल्ड पेड़ होते हैं वहाँ पे रहते हैं जैसे आपका पीपल बरगदी वाले जो पेड़ होते हैं इसीलिए कहते हैं वहाँ पे जाना नहीं चाहिए तो जब वो एक ह्यूमन किसी सबसे पहले जो सबसे पहली आई होगी उसकी बहुत बड़ी फाइट हुई होगी जो उसके अंदर आत्मा और जो ऊर्जा है उससे अगर वो हार गई उसके बाद वो आ गई बाकियों के लिए बहुत आसान हो जाता है तो और ये अगर बहुत सालों तक चलता है तो फिर एक आत्मा नहीं रहती है उसे बहुत सात आठ एंटिटीज का उसके अंदर आ जाता है और बहुत टाइम लगता है उन्हें निकालने के लिए एमिली okay. रोज के केस में तो आई थिंक काफी सालों तक चला था बिकॉज पहले वो ट्राई कर रहे थे कि कोई मेडिकल कंडीशन है हुँ। इसे हुँ। तो बहुत टाइम तक उसके बहुत सारे अलग अलग वो प्रोसीजर्स चले कुछ हुआ नहीं देन उसके बाद में वो बार बार बीमार पड़ रही थी उसकी आवाज़ बदल जाती थी तो देन फिर उन्होंने एक फादर को बुलाया उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया स्टिल वो नहीं निकली उसमें से ऐसा कुछ हमारी फैमिली में भी हुआ था उस टाइम okay. तो मैं काफ़ी छोटी थी मतलब आई वॉज ओनली फाइव ईयर्स ओल्ड तो मैंने कुछ नहीं किया था मेरी जो दादी थी और हमारी मतलब हमारी फैमिली और रिलेटिव में तो उनका तो बचपन से ये चीज़ मतलब करते आ रहे हैं तो उन्होंने वो चीज़ निकाली थी तो जिनमें था उन्हें कुछ आठ से दस साल हो गए थे वो उनकी बॉडी में ही थी और उनकी बॉडी को इतना वीक बना देता था कि उनके ऑर्गन्स तक वीक हो गए थे उनकी किडनीज में और उनके यूट्रस में अभी भी इश्यूज़ हैं okay. तो मतलब तो काम भी नहीं करते हैं इसके तो आ, ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये निकालना बहुत मुश्किल होता है हुँ। आपकी बॉडी को हार्म या आपको बीमार पड़ना ये तो ज़रूर ही होगा क्योंकि वो आपकी प्राण शक्ति खींच रहे हैं आपके अंदर की जो लाइफ फोर्स है वो वो सक कर रहे हैं होता है ना एक पेड़ के ऊपर आप कोई वो कौन से पैरासाइट पैरासिटिक प्लांट्स और वाइन्स होती हैं वो आप लगा देते हो तो वो जो पेड़ है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उसकी एनर्जी वो लोग ले रहे होते हैं आ, वो वाले वाइन्स ले रही होती है तो ये आपको काफ़ी मिल भी जाएगा आ, कुछ हम बच्चों में पढ़ते थे उनके बारे में नाम मुझे याद नहीं आ रहा पर आप किसी पेड़ के ऊपर उसे लगाते हो तो वो दे स्टार्ट टेकिंग तो आप इन जो ये एंटिटीज़ हैं उन्हें वही समझो कि उन्हें वो एक पैरासिटिक स्पिरिट्स होती हैं उन्हें बस एक जगह चाहिए होती है जहाँ से वो ऊर्जा खींच सके और ह्यूमन बॉडी में बहुत लिमिटेड ऊर्जा होती है वो एक आपके लिए ही काफ़ी है उससे ज़्यादा वो और, और अगर आपका खुद का आप अपने खुद की वाइब्रेशंस को ठीक नहीं रखते आप अपने लिए काम नहीं अपने ऊपर काम नहीं करते आप अपनी कोई स्पिरिचुअल टाइम नहीं रखते अपने लिए जहाँ पे आप अपने आप को टाइम दे सकें आप अपनी प्राण शक्ति को उठा सकें अपनी वाइब्रेशन को ठीक कर सकें तो आप खुद भी ठीक से नहीं रह सकते हो तो औरों को कहाँ से रखेगी तो इसीलिए पोजीशन को तो जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी हटाना चाहिए उतनी जल्दी आपको अपनी खुद की क्लिनजिंग करनी चाहिए जब भी आपको समय मिले या फिर ऐसी जगहों पे बैठो जहाँ पे हवन हो रहा है वहाँ पे आपकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ जाती है शक्ति पीठों पर जाओ वहाँ पर आपकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ जाती है और ऐसी कोई चीज़ होगी वो भी निकल जाएगी दो मिनट में तो वहाँ पे तो रह ही नहीं सकती ना पर पोजीशन किसके अंदर होते हैं किस किस इंसान के अंदर? हाँ तो आ, जो इंसान लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करता है जैसे? जो अगर आप जितना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो या फिर जैसे वो भी थोड़ा लो वाइब्रेशनल ही है क्योंकि उसके अगले दिन आप देखोगे आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो उस टाइम पर भी आपको होश नहीं होते तो आपके गार्ड्स अप नहीं होते आप यहाँ पर बैठे हुए हो आपके गार्ड्स हैं ऊपर तो आपको कोई ऐसी ऊर्जा आके कुछ कर नहीं सकती है जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो जब आप uh, मदिरा का वाहन करते तो फिर आपके जो स्पिरिट्स होती हैं वो अटैक काफ़ी सील कर सकती हैं दूसरी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हो या जो बहुत ज़्यादा सोशल इवेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े सोशल इवेंट्स होते हैं वहाँ से अगर आप वापस आओगे और अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होगे आपको बहुत थकान फील होगी इसीलिए नहीं क्योंकि आप वहाँ पे आपने बहुत कुछ डांस किया ये क्या वो किया अगर आप वहाँ पे बस बैठे या बस खड़े भी हो गए ना वापस आओगे आपको थकान महसूस होगी वो भी इसीलिए क्योंकि वहाँ पे भी बहुत इजीली और इस्पेशली अगर आप क्लब्स या पार्टीज़ या ऐसी जगहों पर जाते हो उसके बाद बहुत ज़रूरी है उससे पहले या तो अपनी प्रोटेक्शन करो या फिर उसके बाद जाके अपनी क्लिनजिंग करो क्योंकि वहाँ से भी आप बहुत सारी ये जो एंटिटीज़ हैं उन वो लैच आपसे हो जाती हैं और आपसे बहुत आसानी से आपके पास आती हैं बाकी ये दोनों चीज़ें होंगे अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें कर रहे हो जैसे कि झगड़ा या फिर जिसको हम लस्ट भी कहते हैं वो भी उसमें अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं अगर यहाँ पे हम अपनी ऊर्जा आप अगर बार बार दे रहे हो फॉर फीमेल्स हुकअप कल्चर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा चल चुका है लेकिन इन तंत्र और हमारे सनातन धर्म में जो एक तरह से जो यूनियन है उसे हमेशा ही बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना गया है लेकिन जब आप रेगुलरली ये अलग अलग लोगों के साथ करते हो फॉर फीमेल्स दे आर ऑलवेज रिसीवर्स जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा एनर्जी रिसीव करती हैं तो जिसके साथ भी वो जाती हैं या करती हैं ये एक्टिविटी वो चीज़ वो एनर्जीज वो रिसीव कर रही हैं अपने hmm. अंदर तो वो कुछ समय बाद खुद को ही भूल जाती है कि मैं कौन हूँ okay. हाँ जी वो जिसके साथ भी इफ़ यू नो दे आर डूइंग दिस एक्ट वो एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है यहीं पर अगर आप मेल्स के पास जाओ उनकी खुद की ऊर्जा होती है जिसको हम बीजे कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सनातन धर्म क्योंकि वो एक लाइफ फोर्स माना जाता है जिसको जिसकी वजह से ब्रह्मचार्य बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे यहाँ पे क्योंकि वही शक्ति आपकी अपान वायु में कन्वर्ट होती है तो वो आप अगर ऐसे ही कहीं पे, कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे भी जाके आप बस बांटते जा रहे हो तो आपके पास क्या बचा Hmm. तो आपकी लाइफ फोर्स वीक हो गई आप इतने ज़्यादा थके हुए हो गए आपको इतना ज़्यादा एमटी फील होगा आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ मेरे पास कुछ शक्ति ही नहीं बची अपने लिए या कुछ करने के लिए वो चीज़ होने लग जाती है और आप सोचते हो कि कुछ हो क्यों नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में कहाँ से होगा जब अपनी अपान अपनी जो आपकी जो खुद की जो शक्ति है अब अपना जो बीज है वो हर जगह बांटते आ रहे हो तो आपके पास कुछ ही नहीं बचा तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आप ना करो क्योंकि आपको नहीं पता अगर आपको नहीं पता कि वो इंसान कौन है जिसके साथ आप इस एक्ट में आ रहे हो आपको उनकी सोल उनकी आत्मा के बारे में नहीं पता कि वो अभी पवित्र है कि नहीं है या फिर वो उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रेजिस्ट करो तो ये सारी जो कल्चर है ना ये आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है और ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना या फिर जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर जहाँ पे प्रोपोगंडा आपको आपके ऊपर भरा जा रहा है जो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव बस एक ही तरफ चलता है उससे भी आपकी फ्रीक्वेंसीज लो होती हैं तो बेसिकली किसी भी तरह की जो आप नेगेटिव एक्टिविटीज होती है उसमें इंडल्ज करोगे तो आपके ऊपर पोजिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं डेफिनेटली तो इससे करें खुद को इससे प्रोटेक्ट पहली बात अगेन चाहे बस दस मिनट दो अपने साथ बैठो ताकि आपको पता हो कि आप कौन हो क्योंकि अगर आप अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं दोगे तो आप कैसे एक्ट कर रहे हो आपके कैसे इमोशंस हैं आपको खुद भी नहीं पता कि वो आपके खुद के हैं या किसी और के हैं क्योंकि ये जो पोजेस होती है ना ये सबसे पहले आपका मूड बदलती है आपके इमोशंस बदलती है एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना या एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी फील करना या एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना आपको खुद भी नहीं पता आप क्यों कर रहे हो ये लेकिन क्या पता वो आपके इमोशंस हो ही ना वो आप जिसके जो आपको जो आपके ऊपर पोजेसन आ रखे वो उसके हो है ना थाट्स आपको आ रहे हैं आपको नहीं पता कि वो आपके खुद के थॉट्स हैं या उस एंटिटी के थॉट्स हैं क्योंकि आपको थाट्स और आइडियाज़ लेके आते हैं जो एंटिटीज़ है ना तो हम जब भी इनके साथ काम करते हैं तो वो ऐसे दिखेंगे नहीं वो आपको थाट्स और आइडियाज़ देंगे जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं लेकिन वहीं पर जो आप एज अ पैरासाइड आपके अंदर अटके हुए हैं वो जो एंटिटीज़ एंटीटीज़र वो आपको ऐसे थाट्स ला देंगे जो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो आपकी साइकोलॉजी और आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको कभी कभार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है तब भी आप वो नहीं करते हो कर क्योंकि वो आपकी स्परिचुअल ग्रोथ या फिर आपकी खुद की ग्रोथ से आपको रोकते हैं ये जो पैरासिटिक एंटिटीज आपसे चिपके हुए हो होते हैं तो अगर आ, ये है कि अगर आपको अपने आपको इनसे बचा कैसे जाए तो पहली बात तो यही कि आप ये नेगेटिव चीज़ें ना करो और दूसरी चीज़ अपने आपको जितना ज़्यादा स्वच्छ रखो तो क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा रूल है सबसे पहला रूल है हमारे अध्यात्म हमारी स्पिरिचुअलिटी में तो कीप योर क्लीन अब क्लीन नॉट जस्ट ऊपर ऊपर से नॉट जस्ट कि आप अच्छे कपड़े पहन लिए आप नहा लिए सिर्फ ये नहीं नहा रहे हो तो मैं अगर बहुत ज़्यादा सिंपल रेमेडी देती हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल दैट इज़ कि आप साथ में थोड़ा सा नमक डाल दो एप्सम सॉल्ट जिसे कहते हैं रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं हिमालयन रॉक सॉल्ट ये डाल लो बहुत ही सिंपल है यू विल क्लेंज योर सेल्फ़ हफ्ते में बस दो बार करो यू विल भी क्लींजिंग योर सेल्फ ऑल दीज एनर्जीज़ ये सारी एनर्जीज़ आपको नहीं लगेंगी आम, आपके जो मन है आपका जो माइंड है वो स्वच्छ होना चाहिए मतलब वो भी हाइजीनिक होना चाहिए मतलब वहाँ पे आपके गंदे थॉट्स नहीं आने चाहिए आते हैं थॉट्स ऐसा नहीं है कि आप उसे रोक सकते हो आपको रोकना नहीं है लेट दम जस्ट फ्लो एंटरटेन मत करो गंदे थॉट्स आज जिससे आपका खुद का डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है जैसे Negative. हाँ जी जैसे थॉट ऑफ हीटिंग समवन कि कहीं पर आपका कोई uh, कुछ है जहाँ पर आपको किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है अब क्या आप उस समय कुछ कर सकते हो उस इंसान के लिए या उस जिसके लिए आपको घृणा फील हो रही है आपको जहाँ से जिसके लिए हेट हो रहा है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उस थॉट को भी एंटरटेन मत करो क्योंकि वो कुछ भी नहीं ला के देगा और स्ट्रेस स्ट्रेस इज ऑल्सो तो समथिंग जिसके आपको स्वच्छ अपने आप बॉडी को बनाना है अगर वो स्ट्रेस के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो वो भी थॉट जाने दो अगर कुछ कर सकते हो आपके ताकत में है कुछ करना तो एंटरटेन करके उसका सॉल्यूशन ढूंढो ना कि ये कि ये मेरे साथ क्यों हुआ तो पास्ट में मत जियो तो ये आपका हो गया मेंटल हाइजीन एक तरह से और स्पिरिचुअल हाइजीन में अपने साथ जो मैंने आपको बोला था कि बैठो बस दस मिनट सुबह या फिर रात को एक बार एकदम शांति में जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आ, कोई विजुअल आपके सामने नहीं है अपने फ़ोन को ऑफ कर दो बस दस मिनट के लिए कुछ नहीं करना है बस अपनी सांस पे ध्यान दो अपनी सांस पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो और साथ में कोई थाट्स एंटरटेन मत करो बस आने दो जाने दो आने दो जाने दो उस समय आपको पता चलेगा कि सच में आप हो कौन तब जाके आपको पता चलता है क्योंकि पूरे दिन में आप इतने आइडियाज से भरे जा रहे हो जो आपको हमेशा दिखाए जा रहे हैं चाहे आप बाहर कहीं पे जा रहे हो अपना फ़ोन नहीं चला रहे हो तो सामने आपको कोई आइडिया दिखाया जा रहा है आम, बिल बोर्ड में या कहीं पे या कुछ बताया जा रहा है फ़ोन चला रहे हो फोन में तो आइडियाज ही आइडियाज़ हैं कि जो आपको फीड किए जा रहे हैं तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके खुद के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी खुद की है जी ओके okay. एंड uh, जो एक और चीज मुझे आपसे जाननी थी कर्ण पशाचनी इसको लेके भी लोगों के बहुत सारे थॉट्स बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं हाँ जी uh, कहा जाता है कर्ण पशाचनी अगर किसी के ऊपर छोड़ दी जाए तो वो उसकी जान लेके ही मानती है तो क्या चीज है एग्जैक्टली अच्छा तो ये जो नॉर्मल ह्यूमन्स है ना मतलब एज एन अगर आपको साधा क्या वो नहीं हो तो आपको इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जो साधक होते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल होती है अब उसका मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ कर्ण पिशाचिनी का हमें पता है कि वो क्या करते हैं सेक्शुअल एक्ट्स है ना अब वहाँ पे ही जब कर्ण पिशाचनी साधक क्या करते हैं वो अपनी जो उड़ान वायु है जो उनकी सेक्शुअल पावर है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं उसे बचा के रखते हैं ताकि वो ऊपर उठा 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 के अपान वायु में बदल दें और उन्हें सिद्धियाँ या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो तो उसके लिए वो ये करते हैं तो वो खाना भी नहीं खाएंगे वो आ, किसी को छुएंगे भी नहीं वो अपने आप को हर तरह से एक ब्रह्मचार्य फॉलो करेंगे जिसकी वजह से उनकी जो ऊर्जा है वो बाहर ना निकले वहीं पे ही जब कोई ऐसे कर रहा होता है वो बहुत मेहनत से ये चीज़ करता है और वो जब ऐसे ऊपर लेके जा रहा होता है बहुत सारे मंत्र जाप होते हैं एक तरह का लाइफ वो जी रहे होते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं कर्ण पिशाचिनी क्या करती है अगर कोई छोड़ता है तो वो उसी पे छोड़ता है जो चाहता है कि उस सामने वाले साधक की या जो ये प्रैक्टिस कर रहा है उसकी ग्रोथ ना हो वो रुक जाए वो आपकी वो वाली जो ऊर्जा है जो उड़ान शक्ति है वो लेके चली जाती है जब आप अपने आप को रिलीज़ करते हो ना जो आ, मेल साधक होते हैं तो आप अपने साथ ही सारी जो आपकी कुंडलनी शक्ति होती है उसको भी रिलीज़ कर देते हो वो भी वहीं से आपके जो मूलाधार चक्र है उस वहाँ से चली जाती है तो वो क्या करती है वो आपसे ऐसे छिपट जाती है तो फिर वो आपकी जो शक्ति है आपके जो बीज की शक्ति है आपकी जो प्राण शक्ति है ऊर्जा है क्योंकि आप उड़ान अपान प्राण ये सब प्राण ही वायु हैं तो वो वाली जो वायु है वो वो सारी की सारी अपने पास ले लेती है अब अगर जिसने उसे छोड़ा है वो अगर किसी के कंट्रोल की वजह से चल रही है तो वो उसे ला दे देती है वो सारी चीज़ें वो सारी शक्ति अगर वो खुद से ही ऐसा करे तो अपने लिए रख रही है बस तो एक तरह से आपका जो ऊर्जा को खत्म करती है वो कर्ण पिशाचनी अगर वो बार 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 अगर वो ऐसे ही कर रही है बहुत समय तक तो आप अपने आप ही खत्म हो रहे हो ओके okay. जी एंड कर्ण पिशाचनी मतलब आ, किसी को मिलती कैसा एज एन उनकी सिद्धियां होती हैं पिशाच पिशाचनी को को अगर आप सिद्ध करना हो को सिद्ध भी नहीं उनको अगर आपको कंट्रोल करना हो तो एक ही डी है जिनके बारे में मुझे पता है वो है उच्चिष्ट गणपति जो गणपति जी का तांत्रिक रूप है वो पिशाचों को वो खुद भी पिशाच बन के ही आते हैं और जो वो कर अगर आप उनका सिद्ध कर लेते हैं उनकी सिद्धि पूरी कर लेते हो तो जो पिशाच पिशाचनी है वो आपका कभी पूरा नहीं करेंगे क्योंकि आपने जो उनके जो मास्टर हैं जो उनके चीफ हैं उनके रूलर हैं उनको आपने सिद्ध किया हुआ है और अगर उसके बाद अगर आप उसमें थोड़ा एडवांस करते हो और ज्यादा कुछ क्रियाएं करते हो तो आप पिशाच पिशाचन को कंट्रोल भी कर सकते हो ओके okay. जी तो आ, क्योंकि आपने उच्चिष्ट गणपति के बारे में कहा उच्चिष्ट गणपति एग्जैक्टली क्या है मतलब आ, क्योंकि तंत्र के एस्पेक्ट से हम गणपति को कभी देखते नहीं गणपति को हम बहुत एक वेदिक वाले एंगल से या भाव वाले एंगल से देखते जी तो क्या डिफरेंस है दोनों में तो जो गणपति जो गणेश है उनके बहुत सारे रूप है इनके से अराउंड थर्टी टू रूप हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनमें से जो एर्थ फॉर्म है वो उच्चेष गणपति का है उच्चेष गणपति का मतलब वो तांत्रिक रूप है उनका क्योंकि उनका जो मंत्र है उसमें एक वर्ड आता है हस्ती पिशाची हस्ती मतलब जो हस्त मतलब जो हाथी के रूप में जो पिशाच है वो गणपति हैं वो आपके तांत्रिक रूप में आ जाते हैं अब ये क्या करते हैं ना वैदिक वाले में आपके जो स्टार्टिंग के कुछ जो आ जाते हैं थोड़े बहुत नाम अगर आप उनके भक्त होंगे तो आपको पता होगा अलग अलग नाम होते हैं वैसे ही जो एर्थ फॉर्म जो उनकी है अगर आप उन्हें देखोगे तो वो के भी एकदम ब्लू स्मोकी उसमें वो एकदम मतलब आपको वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आपको नॉर्मल गणपति जी दिखते हैं उनके साथ में उनकी जो शक्ति हमेशा बैठी हुई होती है वो भी उनके दोनों के मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड होते हैं और उनकी कोई रीज़न है दैट इज़ वाई वो ने ऐसे बिठाया होता है अब उसकी जो रीजन है वो, रीजन? आ, मैं वो डिस्कस नहीं कर सकती यहाँ पर जो उनकी जो विजुअल है जो उनका फॉर्म है वो भी मैं आपको यहाँ पे तो इट इज़ मतलब क्योंकि इनिशिएट्स के साथ यू कैन नॉट डिस्कस इसके बारे में भी आई एल टेल यू एक बार जब हम तंत्र के बारे में बात करेंगे कि क्यों नहीं कर सकते तो हाँ अगर हम जब इस पर आते हैं गण गन, तांत्रिक गणपति तो वहाँ पे अलग अलग आ, चक्रों पे काम करा जाता है तो ये जो तांत्रिक आ, वो है उसमें जब हम हस्पिशाची क्योंकि आपका जो तांत्र है वो क्या है कि हम सिर्फ रियलिटी में काम नहीं कर रहे हैं हम बस इस उसमें काम नहीं कर रहे हैं हम बस भक्ति रस में काम नहीं कर रहे हैं हम हर एनर्जीज़ को देख रहे हैं हर डायमेंशंस को देख रहे हैं और हम उन सब के साथ काम कर रहे हैं है। तंत्र का मतलब ही वही है मतलब आप अपनी बॉडी से बाहर जाके और अपने आप को उस चीज़ से लिबरेट कर रहे हो तो जब आप बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी से काम कर सकते हो वही तंत्र है तो आ, जो दूसरे डायमेंशन के जो अलग डायमेंशन क्योंकि वो पिशाच रूप है क्योंकि वो आते भी एक स्मोकी फॉर्म में है जो ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ रहे जो उस फॉर्म हमारे, उस में हमारे उसमें मास में ही नहीं आ रहे हैं उनकी एक औरल एनर्जी है उसको आप तंत्र में ही गिनोगे जी okay. एंड um, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा इजिप्शियन मैजिक के बारे में भी बात जी, करेंगे जी और uh, इस कॉन्वर्जेशन को उधर लेके जाते हैं नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज इजिप्शियन मैजिक ओके सो जो एंशंट इजिप्ट uh, था वहाँ पे जो उनका कल्चर था वो पूरा का पूरा मैजिक से काफ़ी ज्यादा दैट वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट उनका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर था उनकी पूरी लाइफ में मतलब उनकी पूरी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वो बिना मैजिक के हो ही नहीं सकती okay. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देखते थे, थे तो मैं मैजिक की जगह उसे तंत्र अगर बोलती हूँ तो बेसिकली तंत्र वॉज अ वेरी बिग पार्ट अगर आप देखोगे आ, सनातन धर्म और इजिप्शियन मैजिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनके जो बरियल प्रोसेस हैं बस इसको छोड़ के कि वो ममीफाई करते हैं उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें सेम है उनके जो स्पेल्स हैं उनके जो वे ऑफ थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक सेम है उनके जो गॉड्स हैं वो, है. है, वो भी आपको मैं अगर बताती हूँ तो काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड हैं um, अगर उसी में अगर हम आते हैं लेट्स टॉक अबाउट जो इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसमें बहुत सारे स्पेल्स दे रखे हैं आई गेस कुछ वन हंड्रेड एंड स्पेल्स उसमें बता रखे हैं तो uh, उसमें इतने जो स्पेल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई जब इंसान मरता है तो आप ऐसे कौन से स्पेल्स और रिचुअल्स कर सकते हो ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जिनको वो फील्ड ऑफ रीव या ऐसा कुछ भी कहते हैं जो एक ऐसा खेत है जहाँ पे बहुत सारा गेहूँ या खाना है तो वहाँ पे वो उनको अपना हेवन समझते हैं हुँ. तो वहाँ तक जाने में हेल्प करें क्योंकि वहाँ पे एक थिंकिंग है कि आप इस लाइफ में जो भी करते हो वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो आप नरक में जा रहे हो या फिर आप मतलब पताल में जा रहे हो या फिर आप स्वर्ग में जा रहे हो करें। आप हेवन में जा रहे हो तो उनका जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है ना कि इजिप्शियन मैजिक में वो जब देते हैं चलो ये वाली चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ दैट इज़ थोड़ा इंसिसटल और उस वाली चीज़ों में आता है अब यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं मैजिक आप किसे बोलोगे कि आप कुछ मांगते हो उसके लिए आप थोड़ा रिचुअल करते हो और वो चीज़ पूरी हो जाती है वहाँ पे हमेशा से जो एक्स्ट्रा टेरचल एनर्जीज़ हैं जो हमें नहीं दिखती हैं उनके साथ काम करने का जो उन्हें नॉलेज थी वो बहुत पहले से थी जैसे हमारे सनातन में है वैसे ही उन्हें भी थी तभी पिरेमिट्स बने गए उन्हें पता चला कि पिरामिड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो उसके पीछे की साइंस क्या है साइंसेस तंत्र ओनली साइंसेस मैजिक का मतलब ये होता है समथिंग दैट इज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड इन साइंस और इसका कोई पीछे तक अभी आपको अभी तक लॉजिक पता नहीं हुँ. है कि वो कैसे हो रहा है उसको आप मैजिक या चमत्कार बोलते हो अगर यही चीज़ अगर अभी हम जो भी हमारी पूरा लाइफ है वो अगर हम टेंथ सेंचुरी में जाते हैं पीछे वहाँ से किसी और को अगर आप यहाँ पे उठा के लेके आओ तो यही बोलेगा यह कौन सी चमत्कारी माया हुई दुनिया है जो हमें पता भी नहीं Correct. है कि क्या ये भी हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता तो उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज पहले से थी जैसे अगर आप एक पिरामिड बनाते हो तो उसकी रीज़न क्या होती है हमारे अगर जो मंदिर होते हैं उसके ऊपर भी एक hmm. पिरामिड जैसा ही ऊपर बना होता है पर Correct. उसकी रीज़न क्या होती है आई डोंट नो जी तो आसपास की जो भी एनर्जी है या ऊपर से जो भी एनर्जी है जब आप एक पिरामिड बनाते हो तो वो सारी की सारी एट्रैक्ट उस ऊपर जो डोम होता है उस पर होती है सबसे जो ऊपर पॉइंट होता है और वो नीचे सीधा वहाँ पे आती है जहाँ पे आपकी कोई मूर्ति या जहाँ पे कुछ आपका मंडला या कुछ भी बना हुआ होता है पिरामिड्स जो होते हैं इसीलिए कहते हैं कि आ, जिनका फ्लोर्स वाला घर होता है फिर जिनके ऊपर छत होती है वहाँ पे आपको जो मंदिर होते हैं वो पिरामिड वाले उसके ऊपर वो छत्र नहीं होना चाहिए कभी भी क्योंकि ऊपर कोई चल रहा होता है किसी और की एनर्जी होती है और वो आप नीचे खींच के अपने मंदिर में लेके आ रहे हो और वो लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पिरामिड्स क्या करते थे वो ऊपर से ऊर्जा लेते थे अपने पिरामिड में और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती थी कि आप कोई भी रिचुअल वहाँ पे कर रहे हो कोई भी स्पेल वहाँ पे कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फ्रीक्वेंसीज इतनी ज़्यादा हाई होती थी कि वो पूरा हो जाता था दैट इज़ हाउ दे जैसे इसकी वजह से उन्हें पता था कि इजिप्शियन मतलब की चीज़ें कैसे वर्क करेंगी तो ये पेरामिड सबसे पहले वहाँ पर आए हमारे यहाँ पे भी था इसके बारे में ज़्यादा लोगों को बस पता नहीं है कि मंदिर हमारे ऐसे क्यों बनाए जाते hmm. हैं वहाँ पे हमारे मंदिरों में क्या होता है ऊपर से एनर्जी आती है वो हमारे देवी देवता को जिनको आपने वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें रखा है उन पे लगती है और वो लोगों पे डिस्प्यूट होती है तो वो एक तरह से फिल्टर भी होती है विद दैट देवताज एनर्जी और वो ऊपर से आ रही है तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा जो गर्भ ग्रह होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फील होगी किसी भी मंदिर में जहाँ पर पूरा हमारे जैसे मंदिरों का आर्किटेक्चर बना होता है उसने किसी ने अगर वैसे बनाया होगा तो जो साउथ में भी काफ़ी है नॉर्थ में तो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे तो वही एंशेंट इजिप्ट में भी था उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता था तो वो पूरा का पूरा पिरामिड बना के रखते थे जी अब ये तो हमारी आ गई उसकी बात की वहाँ पे स्पेल्स और रिचुअल्स कैसे होते थे तो वहाँ पे उन मंदिरों में लेके जाते थे अब अगर हम बात करते हैं उनके बडियल प्रोसेस के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये क्यों किया जाता है तो जब हम वो मम्मीफाई करते हैं तो उसके साथ में उनका एक स्पेल होता है जिसको जो बुक ऑफ द डेड में भी मैंशन है जिसको हम शिप्टी डॉल्स बोलते हैं तो वो डॉल बना के क्या करते हैं कि उस पेल में वो जो जिसके जो मम्मी हो रखा होता है जो मर चुका होता है उसकी जो प्राण है वो उस डॉल में डाल देते हैं शिप्टी डॉल में ताकि मरने के बाद भी और वो उसको आपके साथ ही बड़ी कर देते हैं ताकि वो मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ का कोई इन्जॉय कर सके आफ्टर लाइफ में भी जो हमारा वर्ल्ड है उसे इन्जॉय कर सके और साथ में वो उसकी फेवरेट चीज़ें भी डालते हैं आ, जो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है या आ, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें लेके जा सकते हैं गरुड़ पुराण के हमारे जो शास्त्र हैं वहाँ पे हम कभी भी बरी नहीं करते हम क्रिमेट करते हैं तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जैसे गाय होती है या खाने के लिए गेहूँ होता है ये सारी चीज़ें हम पंडित को देते हैं मैंने ये काफ़ी सामने से ये रिचुअल्स देखे हैं जो पुराण में लिखे हुए हैं क्योंकि हमारी कुल में आ, हमारी फैमिली में किए गए थे तो उसमें वो क्या करते हैं कि खाट में पंडित जी को लेटाते हैं कहते हैं कि आप किसी ब्राह्मण को दोगे वो आपके आ, पित्र को ही लगेगा जो अभी गया है तो वहाँ पे जब उन्हें लेटाते हैं और उन्हें थोड़ा सा झूला झुलाते हैं तो ये की कि ताकि वो उन्हें भी झूला मिले एक नाव बनाते हैं पानी में उसे चलाते हैं और उसके साथ में दो तीन चीज़ें डाल देते हैं ताकि जब ये नदी है वो वहाँ पे सेफली जा सकें कहते हैं ना कि मरने के बाद एक इजिप्ट में अगर आप देखोगे इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स में मरने के बाद एक नदी होती है यू हैव टू क्रॉस द सेवन रिवर्स ताकि आप हेवन में जा सको तो यहाँ पे भी वही होता है कि आप उस नदी में आ, अपनी जो नाव है ये भी एक रिचुअल है जो गरुड़ पुराण में ही है और बुक ऑफ द डेड में भी मेंशन है कि नदी को जो नाव बना के हम वहाँ पे छोड़ देते हैं और उसमें दूध या ऐसी कुछ सारी चीज़ डालते हैं ताकि वो सब्डी हो जाए वहाँ पे वो उन्हें कोई हार्म ना मिले वो आराम से पास अवे हो सकती है उनकी स्पिरिट ये सारी चीज़ें हमारे इजिप्शियन मैजिक में और इसमें काफ़ी ज़्यादा सेम है तो ये चीज़ों एंशंट आपका रिलिजन्स हैं बहुत ज़्यादा पेगनिज़्म हो गया इजिप्शियन हो गया रिलीजन और ग्रीक का भी जो कुछ जो बहुत एंशन माइथोलॉजीज़ हैं स्क्रिप्चर्स um, हैं और हमारा जो सनातन धर्म है ये काफ़ी हद तक कनेक्टेड है एक दूसरे से इनके वो सेम है अब अलग अलग जगह पे जाके थोड़े बहुत कस्टमरी चेंजेस हो गए होंगे वो अलग चीज़ है सोसाइटल चेंजेस हो गए होंगे लेकिन जो मैसेज है वो बहुत सेम है जी मतलब मुझे एक चीज़ याद है जब मैं इजिप्ट गया था तो वो जो आपने पिरामिड्स वाली चीज़ कही थी हाँ जी तो um, इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि जब आप पिरामिड के पास जाते हो hmm. तो आपको बहुत एक अजीब सी वहाँ पे फीलिंग फील feel होती है वो यू कैन नॉट डिफाइन इट की क्या एनर्जीज है बट आपको पता चलता है कि बहुत ancient कोई एनर्जी है यहाँ hmm. पे एंड एट द सेम टाइम जब आप उनके म्यूजियम्स जाते हो तो वहां पे कई सारी रियल ममीज रखी होती है एंड वेन यू सी कि एग्जैक्टली exactly, मतलब किस तरह से ममीफाई किया जाता था hmm. वो जो डेड बॉडी थी उसको पहले कोई ऑयल लगाते थे एंड देन फिर उसके साथ hmm. में बहुत सारे अलग अलग चीजें होती थी

यही कॉन्टिन्यूएशन कि वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई है लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अभी भी है तो इसके पीछे ओकल्टिश और साइंटिफिक दोनों रीजंस हैं एक ये कि मरने के बाद ना आपके सात जन्मों तक जो वो पितरी होती है जो मतलब उनकी जो ऊर्जा होती है एक अंश आपके पितरी लोक में रह जाता है अंश लोक में इसीलिए वो वो चीज़ हमेशा करते हैं तो उनके वहाँ पे भी कुछ एक ऐसा दिन होता है जब वो अपने जो मम्मीज़ हैं उन्हें निकाल के उनमें फिर और एक नई पट्टी उन्हें करते हैं उन्हें और चीज़ें देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो एक अंश है वो अभी भी वहाँ पर है और अगर आप ओकल्टिश रीजन्स के बारे में जाओ जानो तो वो जो एक पितरी जो पितरी लोक में रहती है उसकी ड्यूटी होती है कि उनके जो नीचे के आने वाले जो हैं उनका उन्हें ध्यान रखना होता है बाकी कोई भी ऐसी चीज़ से जो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का सोचे या जिन्हें हार्म करने का सोचे अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है या आपके ऊपर आपको कोई हार्म करना चाह रहा है आपको कोई नीविलाई दे रहा है तो अगर आपके पितरी लोग के साथ जो आपके पितरों के साथ आपके अच्छे कनेक्शनस हैं ना तो उनसे वो काफ़ी अच्छे से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी ऐसी है, सोसाइटीज़ हैं और मतलब काफ़ी ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे उनके साथ तो काम किया जाता है उनके साथ स्पेल्स और रिचुअल्स किए जाते हैं Um, जो अफ्रीकन वूडू है वहाँ पे तो सारे काम ही आंस, अपने अन्सेस्ट्रल एंटिटीज़ के साथ होते हैं उनके तो जो ओडिशाज जिनको कहते हैं आ, जैसे आपके आ, ये मैरी लवू और पापा लेगवा बारन समेदी ये सारे के सारे एक अन्सेस्ट्रल स्पिरिट्स ही हैं उनके वो ये एक ऐसा इंसान था जिसने अपने आ, अपनी लाइफ टाइम में इतने ज़्यादा सिद्धियाँ की इतने ज़्यादा चीज़ें की कि मरने के बाद भी उनकी जो पित्री है उनका जो एक अनसिस्टर है वो वहीं पे ही है और वो सबको प्रोटेक्ट करता है और वो okay. उनके साथ ही जुड़ते हैं तो ओकल्टिश रीज़न ये है कि जब आप इनके साथ काम करते हो तो ये बहुत क्योंकि इनकी तो ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करके रखना तो जब आप इनके साथ काम करते हो इनके साथ कनेक्ट करते हो तो बहुत जल्दी आपकी सुनते हैं और आपको आसपास वैसे तो देखभाल कर ही रहे हैं आप अलग से भी कुछ मांगोगे या अलग से कोई गाइडेंस मांगोगे तो वो वो ला के देंगे क्योंकि आपको तो बस ये वाला ड्रिल्म दिख रहा है आपको तो बस ये वाली रियालिटी दिख रही है उन्हें सारा सब कुछ दिख रहा है उन्हें हर डायमेंशन दिख रही है कि कहाँ से आपको खतरा आ सकता है कहाँ से कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छी है कौन सी नहीं है

वो अलग अलग खंड में डिवाइड हो जाती है एक उसका जो एक खंड होता है एक जो अंश होता है वो पितृलोक में चला जाता है अगली सात जनरेशन्स तक अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति होती है यहाँ पे अगर हम स्टोरी लेके आते हैं ये श्री राम का जो एरा था जो उनका जो युग था भगवान राम का तो उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो कहानी कही गई है उसमें उन्होंने सबसे पहले श्राद्ध किया था जो पित्र पितृपक्ष जिसको कहते हैं और वहाँ पे वो अपने पिताजी के लिए कर रहे थे उनके पिताजी का क्या नाम था दशरथ राजा दशरथ हाँ जी तो जब उनकी डेथ हो गई थी जब वो आए थे तो सब बताने आए थे भारत और ये सबकी कि की आपके उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो बोला कि हम अपने पिता के लिए ऐसा क्या कर सकते क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई थी वो बिना मोक्ष प्राप्ति के उन्हें उनकी मृत्यु हुई थी तो ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जो वो उनको आ, जो उनको लगे क्योंकि अब तो वो मर गए हैं और उनका तो चौदह साल वनवास था तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने तो अपने पिता के लिए कुछ किया नहीं अभी तो मैं कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए तब जाके उन्हें बताया तब जाके श्राद्ध का जो कॉन्सेप्ट था वो चीज़ आई थी कि आप अभी ये जो भी करोगे वो आपके पित्र को लगेगी मतलब उनकी उस अंश को लगेगा तो ये जो चीज़ है अब यहाँ पे उन्हें मोक्ष नहीं मिला था तब जो माँ सीता थी उन्होंने पूछा जो ऋषि थे उनसे कि क्या मैं भी कर सकती हूँ अपने पिताजी के आ, पिताजी के लिए जो राजा जनक थे उनके लिए श्राद्ध तो उन्होंने बोला आप कर सकते हो लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन मेरे जो पिताजी हैं उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई थी राजा दशरथ को नहीं हुई थी लेकिन जो राजा जनक थे वो इनलाइटन थे तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति मिली थी अब उनको तो मोक्ष प्राप्ति हुई क्या उनको भी करना है मतलब हाँ क्योंकि उनका जो अंश है वो अभी भी पितृलोक में है तो उसके उनके लिए आप अगर कुछ भी करते हो रिचुअल इस टाइम पे पितृपक्ष में वो उनको जाके लगेगा तो ये सबको लगता है ओके okay. और पितृदोष क्या होता है पितृदोष ये होता है कि जब आपके लीनियज में जो पितरियों में है वहाँ पे अगर किसी के कर्म बुरे हैं या फिर उन्होंने कोई पाप किया हो या उन्होंने कोई दोष किया हो उसके बाद वो जब पितृलोक में चले जाते हैं तो उनके कर्म इतने कम होते हैं कि उसकी वजह से आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती तो आपको कोई उसका आपको पीस नहीं मिल रही होती आपको शांति नहीं मिल रही फिर आपके काम बिगड़ रहे होते हैं क्योंकि जो पितरियाँ होती हैं आपकी जो एंसेस्टर्स होते हैं आपको काफ़ी चीज़ों से बचाते हैं ये इजिप्ट में और अफ्रीका में बहुत बड़ी मान्यता है इस चीज़ की तो हमारे यहाँ पे भी है तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो पितृदोष हैं उसे हटाने के लिए रिचुअल्स करते हैं साइंटिफिकली अगर इसे देखा जाए तो कहते हैं कि कुछ सात जनरेशन्स के बाद जाके आपका कोई जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो भी आता है उसके बाद जाके वो हटता है आपकी लाइफ में तो फॉर <coughs> एग्ज़ाम्पल आपके कोई परदादा या आम, पर, पर दादा को कोई प्रॉब्लम हुई कि उनका हाथ कटा हुआ है या फिर मतलब वो डिसेबल्ड बॉर्न हुए थे तो वो आपके बच्चों में नहीं आएगा हुँ. उनके बच्चों में नहीं आएगा लेकिन हो सकता है उनके बच्चों में वही डिसेबिलिटी वापस आ जाए right. या वापस वही आ जाए इसीलिए हमारे यहाँ पे माना जाता है कि सेवन जनरेशन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका ध्यान रखा जाए और उनके कर्म मतलब एक तरह से वेल बींग ठीक हो तो ऑल ऑफ दिस इज़ साइंटिफिक एज वेल नाउ ये बारिश के समय ही क्यों होता है जो हमारे पितृपक्ष हैं तो पक्ष मतलब वो समय पितरों का क्यों माना जाता है ये अगेन दिस इज समथिंग जो साइंटिफिकली अभी तक आया नहीं बट बहुत जल्दी दे विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद दिस कि जब बारिश टच करती है किसी धरती को मिट्टी को जब वो मॉइस्ट होती है या फिर सीमेंट को या कोई भी आपकी जो भी सॉयल ऐसा कुछ भी होता है तो आपके डीएनए को कुछ करती है देर सम डिफरेंस इट क्रिएट्स इन योर ओन डीएनए तो उस समय जब आप पित्रों के जो रिचुअल्स होते हैं या उनके तरह के जैसे कि आपको खाना ऐसा खाना है या ये चीज़ें करनी हैं तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं अब हमारे कुछ तीन दोषा हैं जिनके बारे में अब लोगों को पता है दोषों को क्या इंग्लिश में क्या बोलते आई गेस कुछ थ्री थिंग्स कफ़ पित्त और वात जो बचपन में आपका होता है तब आपका होता है कफ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जब आप अपनी ये मिडिल एज में आ जाते हैं हम थोड़ा सा जब आप यंग हो जाते हैं और यू बिकम एन एडल्ट तब पित्त दोष जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है आपकी बॉडी में और जो लास्ट वाला जो होता है वो आपका होता है वात दोष जो होता है लास्ट में तो जो आपकी प्रॉब्लम्स आपकी जो डिजीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं वो उस दोष के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी बचपन में कफ के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी तो आपको सर्दी जुकाम ये ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगता है इन योर एडल्ट होड आपको पेट से ज़्यादा बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती है हीट बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में या वो वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्र, बीमारियाँ प्रोमनेंट होती हैं लास्ट में जाके वात से ज़्यादा सबसे ज़्यादा दोष होता है अब जो हमारी पितरियाँ होती हैं ना वो क्योंकि एक तो जो बूढ़े होकर जो मरते हैं तो वाथ में क्या होता है आपको बार बार पानी पीते रहना होता है क्योंकि वहाँ पर आपका जो एलिमेंट है वो एयर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है तो देआर ऑलवेज थोस्टी जिनका वात दोष होता है तो इसीलिए हम पितृपक्ष में हमेशा पानी पिलाते हैं और वो पा पितृपक्ष में ही क्यों आता है ये आ, रेनी सीजन में ही क्यों आता है एक तो हमारी डी के साथ वो कुछ कर रहा होता है वो वाली चीज़ है इट इज़ इफेक्टिंग सम वे इन आर बॉडी एंड जो ये रिचुअल्स है कहा जाता है कि आपके पहले के जितने भी ये जो तीनों कफ है ना उनको स्टेबल करता है उन्हें ठीक करता है जो आपकी थोड़ी बहुत हैबिट्स हैं ये जो इस टाइम पे आपका होता है कहते हैं इस समय कुछ जला के नहीं खाना चाहिए मतलब कुछ एकदम फ्रेश okay. बर्न फूड नहीं खाना चाहिए आ, या तो आप एक ठंडा खाना खाओ या फिर आप स्टेल uh, फूड खाओ इस समय अब उसका रीज़न भी अगर आप नहीं खाओगे तो आपके साथ हो सकता है कि कुछ बहुत ड्रास्टिक हो जाए तो ये तो हमारी बुक्स में कहा गया है एज अ फेथ वी आर टेकिंग इट इन दिस वे साइंटिफिकली उस समय आपके डी में कुछ चीज़ें हैं जो सून वी विल बी हेयरिंग इन साइंस एज़ वेल जिसकी वजह से आपके वात पित्त और कफ तीनों इस समय में मानसून के समय हमारे यहाँ पे जब रेनी सीजन या फिर किसी भी कंट्री में जब रेनी सीजन आ रहा है उस समय जब आप ये रिचुअल्स करते हो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे होते हो तो वो स्टेबल हो जाते हैं एक इंसान okay. की बॉडी में जी एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे लाइफ में कुछ चाहिए hmm. तो उसके लिए कैन आई टेल माई एंसेस्टर्स की ये चीज़ मुझे चाहिए आप करवा के दे सकते हो ऐसा कुछ तो क्या है ना इस समय अगर आप साधना भी करोगे ना वो भी आपके पितरियों को ही लगती है आप अगर कोई मंत्र साधना भी करते हो वो भी आपको उनको ही लगते तो आप hmm. उनके जो कर्म है और उनकी जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ा रहे हो तो अब इस समय अगर आप उन्हें कहते हो कुछ चाहिए सबसे पहले वो आपकी सुनेंगे आपका उनसे बहुत बड़ा कनेक्शन है तो वो अपनी ऊर्जा से वो चीज़ आपको ला दे सकते हैं यू कैन कनेक्ट विद दैम ये चीज़ हो सकती है किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो उनसे आ, जब आप ये सारा अगर आपका जो भी रिचुअल्स चल रहे हैं आ, उसमें हमेशा होता है कि आप हमेशा पानी उनके सामने रखते हो पीने के लिए और खाने के लिए अगर कुछ अगर रखना होता है तो तो आप उनके सामने दिया भी जलाते हो हुँ. तो जब आप दिया जलाते हो ना तब तो एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है दिया और धूप धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है आ, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो भी औरल बॉडी hmm. है तो वो सूँग कर कंज्यूम करते हैं वो फीड हमेशा करेंगे तो वो सूँग कर करेंगे um, क्योंकि वो वाली उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए कहते हैं ना कि पीरियड्स में फीमेल्स um, को विल कम इन टू दैट लेटर कि उन्हें uh, पूजा नहीं करनी चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं पर हाँ ये जो है वो फीड वहाँ से करते हैं कुछ भी okay. सूँघ कर तो आप धूप दिखाइए uh, धूप वो जो आपकी अगरबत्ती होती है स्टिक वाली वो वाली आपको धूप दिखानी है क्योंकि वो आपके जब कोई अपने पितरों को आप वो दिखाते हो कभी देवी देवता को नहीं दिखाते हो तो वो धूप जलाइए पानी रखिए क्योंकि वो हमेशा प्यासे होते हैं जो उनकी बॉडी होती है और साथ में दिया जला दीजिए उस समय आप उनका जिस रूप को आप कनेक्ट करना चाह रहे हो आपके कोई परदादा या ऐसे कोई भी जिनसे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो जिनकी ऊर्जा वैसी है आपके इंटेंशन से जो मैच कर रही है उनसे कनेक्ट करिए उन्हें बोले आपको वैसी चीज़ चाहिए जैसे कि अगर आपके परदादा बिज़नेस मैन हैं थे बहुत बड़े और आपको अपने बिज़नेस में या फिर अपने कोई फाइनेंस या उनमें हेल्प चाहिए तो आप उनके बारे में बा मांगिए आपकी जो परदादी ऐसे कोई जो परनानी होंगी वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी थी या बहुत ज़्यादा इमोशनली अच्छी थी तो आप उनसे कनेक्ट करिए और वहाँ पे हेल्प उनसे मांगिए वो लोग वहाँ पे हेल्प करते हैं अफ्रीकन वूडू ऐसे ही काम करता है आप उन उनस्टर्स से कनेक्ट करते हो जो जिनकी एनर्जी अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में अपनी पूरी लाइफ टाइम में वैसी रही थी hmm. जी बट uh, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं hmm. उनका रीबर्थ हमारे फैमिली में वापस हो सकता है uh, देखिए जो अगर हम पास्ट लाइफ और इन सब चीज़ों के बारे में जाएं तो यस uh, yes, हो सकता है और दूसरी चीज़ uh, आपका जब रिबर्थ हो रहा है ना तो आपके आसपास जो 20-25 लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लाइफ में वो हमेशा उसी समय ही आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह से बर्थ लेंगे तो okay. अब ज़रूरी नहीं है वो उसी ही आम, उसी ही लीनीज में हो वो किसी और लीनीज में भी हो सकता है लेकिन हो सकता है कि जो आपके जो फादर हैं वो नेक्स्ट लाइफ में आपके बेटे या अपने आपके भाई बन के आए आपकी बहन बन के आए उनकी जो आत्मा है आम, आपकी जो मदर है वो कुछ और बन के आए ऐसे करके अलग अलग चीज़ें आपके लेकिन वो रहते ही आपके साथ में ही हैं आपकी जो लाइफ है वही जो टू ट्वेंटी पीपल है दे आर द वंस जो आपकी लाइफ में आपको सराउंड करके रहेंगे क्यों क्योंकि आपके कर्म उनसे बंध जाते हैं कहते हैं ना कि जब आपकी शादी होती है तब साथ मतलब जन्मों का वो हो जाता है हाँ बंधन हो जाता है क्यों होता है क्योंकि उन्हें कर्मों के बारे में पता है आपके कर्म एक दूसरे को इतने बांध देते हैं आप पहले ही मैरिज में इतने ज़्यादा आपके कर्म बंध जाते हैं कि उसको सॉल्व करने में उसे ठीक करने में इतने जन्म लग जाते हैं राइट right. जी तो कर्मों के ऊपर है आपके इस फैमिली के साथ जितने कर्म बंधे हुए हैं कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा कुछ लिया है आपने किसी को बहुत ज़्यादा कुछ दिया है तो नेक्स्ट लाइफ में भी वो आपके साथ कनेक्टेड ही रहेंगे चाहे आपके भाई कुछ भी बनकर ताकि नेक्स्ट लाइफ में वो वो चीज़ बैलेंस कर सकें hmm. जी बट हमें याद क्यों नहीं होता हमारी प्रीवियस लाइफ जब हम रीबर्थ लेते थे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना जो आपकी हम अगर जैसे अगर हम शूट कर रहे हैं है ना कुछ जीबी का ही डेटा आप हैंडल कर सकते हो है ना फिर आपको डिलीट करना होता है ताकि न्यू मेमरीज़ या फिर न्यू, आ, न्यू चीज़ों के लिए जगह बने वैसे ही आपका जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी भी है वो सारी जो आप याद भी कर सकते हो अगर कोई ऐसे ट्रॉमा या ऐसा कुछ है जो आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे हो वो हो सकता है आपके पास लाइफ की वजह से चल रहा लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें आपको याद एक साथ आप करोगे तो एक ह्यूमन माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि वो अभी का है पहले का है और जब आप मेमरीज़ के साथ आपके ग्रजेस भी आते हैं और आपके अटैचमेंट्स भी आती हैं अगर आपके पहले की पुरानी अटैचमेंट्स नहीं छूटी तो आप नई चीज़ें अपने आप में नई ग्रोथ कैसे करोगे वो लाइफ अगर वहीं पर ही छूट गई है वो अटैचमेंट वहीं पर ही छूट गया है देन ओनली यू कैन स्टार्ट न्यू ना करेक्ट बहुत ही सिंपल वे में फाइल टेल यू आपका रिलेशनशिप था बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था आपका ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद आपको उस चीज़ को भूलने के लिए या उस चीज़ से हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है अगर उसी के एकदम बाद अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वो अटैचमेंट पहले से आपकी नहीं छूटी है है ना तो वो आपको इफेक्ट करेगा आपकी आगे वाली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपके आगे वाली रिलेशनशिप के साथ राइट क्योंकि वो अटैचमेंट पहले का बना हुआ है सेम विद द लाइफ Okay. पहले के साथ अगर आपकी जुड़ी हुई है तो आप आगे कैसे जियोगे आगे कर्म कैसे करोगे अपने प्रीवियस लाइफ को देख सकते हैं या उसके बारे में मतलब किसी तरह से पता कर सकते हैं जी डेफिनेटली कैसे है. तो आ, एक तांत्रिक पे भी है और बाकी काफ़ी लोगों को अब पता है कि पास लाइफ कैसे हुँ. देखी जा सकती है तंत्र में सांस के द्वारा ये चीज़ होती है सबसे पहले जो आपको करवा रहा है पास लाइफ उन दोनों की जो नॉस्ट्रल्स हैं वो एक दूसरे से रिदम मैच होनी चाहिए मतलब अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो अगर मैं आपका पास्ट लाइफ कर रही हूँ तो मेरी राइट right नॉस्ट्रल चलनी चाहिए आपका आज्ञा चक्र है वो पीछे की तरफ घुमाते हैं उसे वहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो तंत्र में होता है जब वो पीछे की तरफ घूमने लग जाते हैं फिर उसके बाद जब आपको हेलोसिनेशन वाले स्टेट में लेके जाते हैं आपको लेफ्ट की तरफ देखना होता है आम, आप ये देखोगे आपकी आई जो मूवमेंट है ना उससे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो तो जब आप कुछ पीछे का याद कर रहे हो आप हमेशा अपने लेफ्ट में ऊपर की तरफ देखोगे कि क्या हुआ था hmm. ये वाली चीज़ आप कभी नोटिस करना कुछ सोच रहे हो तो आप नीचे इस तरफ देखोगे आपकी उससे पता चल जाएगा कि एक इंसान क्या सोच रहा है तो प्रेजेंट आप तब हो तो जब एकदम सामने देख रहे होते हो उसी मोमेंट में तो आ, उस, उस तरफ देख के फिर आपको यू हैव टू उस तरफ आपको त्राटक करना है उस तरफ देख कर और फिर आपको इतनी आँखें बंद करके फिर आपको पास लाइफ में जाते हैं तो उसका पूरा एक वो होता है कि आप उसी टाइम डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो अगर आप स्लीप इंड्यूसर स्टेट में नहीं जा रहे हो तो फिर आपको वहाँ पर ले जाया जाता है okay. जी तो उसके लिए वेज होते हैं कि इतने तक गिनो यहाँ जाओ वहाँ जाओ फिर वो तो पूरा पाथवे फॉलो करके आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हो जहाँ पे आप आपको सब समझ में भी आ रहा है लेकिन आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है आप अपनी बॉडी को फील नहीं कर रहे हो ओनली योर माइंड इज़ वर्किंग वेन दैट हैपेंस कि आपका जो माइंड वर्क करता है तब हम पीछे के लाइफ देख सकते हैं क्योंकि तब आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो एक्टिव हो चुका होता है hmm. जी ओके okay. And, uh, वो जो आपने बात कही थी कि uh, पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स जो है हाँ वो पूजा नहीं कर सकते उसके पीछे क्या रीज़न है हाँ जी तो इसके बड़ा इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो ये स्पिरिट्स और एंटिटीज जो होती है ना उनकी ह्यूमन बॉडी नहीं होती इसको कारण का बॉडी बोला गया मतलब कारण अंग बोला कर्ण अंग बोला गया है कर्ण अंग मतलब जो रीजन समझ सके कारण समझ सके कि इसके पीछे अच्छा है या बुरा है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी होती है इसलिए लेकिन जो आम, आपकी जो औरल बॉडी होती है जो पितरी होती है उनकी भी औरल होती है जो देवी देवता होते हैं उनकी भी औरल बॉडी होती है वो फीड कैसे करते हैं अरोमा से आप उन्हें जो भी दे रहे हो आप खाना दे रहे हो वो खा थोड़ी रहे हैं उनकी जो फ्रेश स्मेल होती है वो उससे फ़ीड करते है। हैं इसलिए हम बहुत अच्छा अच्छा खाना जिससे भाई वो चीज़ें देते हैं हम फूल चढ़ाते हैं क्योंकि उनकी खुशबू होती है जो हम ख़ुद नहीं सूंघते धूप बत्ती देते हैं वो भी ताकि उनकी स्मेल वो कंज्यूम करें फ्रेगनेंस कंज्यूम करें अब देखिए पीरियड्स में होना कोई बुरी बात नहीं है उससे ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड्स में आप मतलब मेडिटेशन नहीं कर सकते हो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते लेकिन जब आप कोई ऑफरिंग दे रहे हो तो आ, क्योंकि जो पीरियड्स की ब्लड है उसी से तो हम बने तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है लेकिन ब्लड की एक स्मेल होती है साथ में अब वो अच्छी है या बुरी है वो डिसाइड कौन करता है जो औरल बॉडी है अब उसे पसंद आई या नहीं आई उनके पीछे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका कोई अच्छा भाव है कि नहीं है। वो रीज़न नहीं समझते उन्हें अच्छी नहीं लगेगी तो उन्हें गुस्सा आएगा अब उससे आगे आपको रिजल्ट्स क्या मिले अच्छे मिले या बुरे मिले आम, वो नहीं पता वो उससे गुस्सा होंगे खुश होंगे वो नहीं पता ना तो अगर सामने वाले को उससे अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो अगर वो स्मेल फ़ीड कर रहा है तो उन्हें लग रहा है कि आप कोई बुरी चीज़ दे रहे हो उन्हें तो वहाँ पे आपको हार्म हो सकता है okay. इसी लिए जो फीमेल्स होती हैं जब वो पीरियड फीमेल्स दे सकती हैं दे कैन डू ऑल द वो सारी पूजा और सब साधना पाठ कर सकते हैं वो ऑफरिंग्स भी दे सकते हैं लेकिन जब वो पीरियड्स में होते हैं तब थोड़ा अवॉइड करिए ताकि आप वो ये सब फीड करने के साथ वो जो ब्लड जो uh, की जो रॉटन स्मेल है वो भी फ़ीड ना कर दो उन्हें hmm. जी okay. Uh, इस पॉडकास्ट के लिए एक लास्ट चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी वॉट वॉज द लास्ट टाइम जब आपने uh, किसी एंटिटी के साथ में कनेक्ट किया था रीसेंट पास्ट में रीसेंट पास्ट अभी आ, कल परसों तो, ही किया था हाँ जी तो अभी तो हमारे तांत्रिक पूजा ही चल रही है तो उसके हमारा महायज्ञ हुआ था तो पूरे कुल ने सब साथ में किया था तब हमारी जो ऊर्जा थी हमारी जो देवी हैं उनसे जो माँ राजेश्वरी है जो शी इज़ द मतलब पूरे तंत्र महाविद्याओं में सबसे ऊपर जिनको माना जाता है माँ राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी उनके साथ जो कनेक्शन था उनके साथ बैठा था ओके okay, एंड क्या होता है उस कनेक्शन में देखिए हर महा हर देवी के साथ उनकी खुद की एक एनर्जी आती है तो जब हम राजेश्वरी माँ के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप एक तरह से इस बॉडी में नहीं रहते हो आप हर लेवल में मतलब एक तरह से बिखर जाते हो फिर हर लेवल आपको फील हो रहा होता है आपको अपनी बॉडी का हर अंग अंग फील हो रहा होता है आपको सिर्फ बॉडी फील नहीं हो रही आस पास जो आपकी वेव आपके आस जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपको वो तक फील हो रही होती है तो ये एक ऐसी चीजें जो माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी आपको ला के देती है ये उनकी एनर्जीज के साथ आता है कि आपको ये सारी चीज़ें फील होती हैं जी इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम महाविद्या वाला एपिसोड बट थैंक यू इस एपिसोड के लिए जी. कई सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की एंड uh, बहुत सारे नेगेटिव चीजों को हमने पॉजिटिविटी से देखा एंड आई होप सो कि लोगों का नजरिया वो चेंज हो जो, जो अपनी चीजें hmm. बताई थी डेमन्स के बारे में एंड hmm. um, लोग जो सच है उसे जानी बट थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच फॉर है